Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama.
मैं गुरुपाद पद्मा मित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीरो सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा मित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुक्त प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सनातन गोस्वामी ये श्रीमद् बृहद भागवतामृत अपना माँ को सुनाया। अब लोग बताओ तो उन्होंने क्यों सुनाए, माँ को कथा क्यों सुना है, कौन बोले हाथ सब भूल गए, कथा कल सुने ही नहीं। उन्होंने क्यों अपना माँ की कथा सुना है, बोलो क्यों सुना है, बोलो कौन बोले हाथ। इसलिए कहते उसमें दो तीन कारण बताए। पहला कारण बताए, जब भागवत कथा श्री सुखदेव गोस्वामी विश्राम दिया, उन्होंने माँ ने पूछा बेटा मैं स्त्री जाती हूँ, बुद्धि अल्प है, इतना समझ है ही नहीं, और ये सात सात दिन तक सुनाते रहे, लेकिन मेरे पहले मेरे बुद्ध पढ़ाए मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए शॉर्टकट रूप में ऐसे कुछ बात बताओ जिसमें मेरे को पता चले, अल्प वाक्य में मेरे को पता चले वो क्या बोलना चाह रहे थे, जिस चीज को मैं समझ करके उसे मैं लग जाऊं, पर ये कारण है। दूसरा कारण है कि जो युग का नाम ही कलयुग है, इसलिए कलयुग होने का नाते आप दुनिया में देखना कितने अपसंप्रदाय जगत में आ गए, किसने ज्ञान का तरफ में, कोई योग का तरफ में, कोई भोग का तरफ में, कोई तपस्या का तरफ में, और विशेष करके कलयुग में अलग अलग नाम, अलग अलग संप्रदाय, मनमानी, अलग अलग उपासना है, अलग अलग उपासना, फिर कहीं किसी शास्त्र में ज्ञान की महिमा, कहीं कर्म की महिमा, कहीं योग की महिमा, अलग 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 रास्ता में लोगों को विभ्रांत कर रहे हैं। और विशेष करके कलयुग में जीव का परमायु बहुत ही कम है, 100 साल तथा अभी 100 साल भी जिंदा कोई नहीं रहे, क्योंकि हाइब्रिड देकर सब चीज बन रही है, कोई चीज शुद्ध है ही नहीं, इसलिए धीरे 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 परमायु भी धीरे 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 घटते जा रहे हैं। इसलिए जीव को अल्प समय के अंदर में पता चल जाए ये जीवन भगवान क्यों दिया, और ये जीवन पा करके हमारे परम कर्तव्य क्या है, ये चीज को हमें पता चल जाए फिर तो जीव क्या कर उसमें लग पड़े, अलग पर जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति को प्राप्त करके और प्रभु के पास में चले जाए, और जहाँ जाने पर फिर संसार में जीव को दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा, और भगवान की भक्ति करते हुए ठाकुर की चरण की सेवा में लग जाए हैं। इसलिए उन्होंने ये श्रीमद् बृहद भागवतामृत ग्रंथ को बोले। तीसरा कारण बताए, जब उन्होंने पूछा हमें भागवत का सार बताओ, बोले भागवत का सार तो राधा रानी का प्रेम है, हाँ राधा रानी का प्रेम ही भागवत का सार है, इसलिए ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् मतलब जिसमें श्री मतलब और श्रीमती राधा रानी, और मद मतलब होता है प्रेम, जिसमें केवल राधा जी की प्रेम ही जिसमें महिमा है। कहते भैया अगर बोलोगे भागवत का सार, भागवत का सार तो राधा रानी का प्रेम है, उनका नाम ही राधा है, राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा, धारा, यदि ये कृष्ण प्रेम रस की ये श्री धारा श्री राधा रानी, इसलिए राधा प्रेम, बोले नहीं मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ क्यों राधा रानी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, उनके अंदर में ऐसे कौन सा चीज है जो कि कृष्ण की ये सबसे प्यारी है, इसको मेरे को स्टेज वाइज धीरे 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 ये बात को, जैसे गन्ने को पीसो तो रस निकलेगा, गर्म कर तो गुड़ होगा,
गुड़ को प्योर कर तो चीनी, चीनी को प्योर कर तो मिश्री, मिश्री को प्योर कर तो खंडसार, और उसको प्योर कर तो सरकरा निकलता है। इसलिए उसी तरह धीरे 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 हमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति राधा जी क्यों ये बात बताओ इस सब कारण के द्वारा। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी अपना माँ को थोड़ी सी समय में ही ये ग्रंथ को उन्होंने सुनाया, जिसको सुनने पर हमें भी थोड़ी सी समय में पता चल जाएगा शास्त्र का सार क्या चीज है। ठीक, इसलिए जब उन्होंने प्रारंभ किया, सर्वप्रथम उन्होंने श्री अपना आराध्य देव श्री सचिनंदन गौर हरि श्रीमन महाप्रभु का चरण उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि कहते उन्हीं की कृपा से ही महाप्रभु ने श्री एक सनातन सिख्या हमारी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को उन्होंने को उपदेश दिया था। महाप्रभु उसी समय में ही जैसे भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को स्पूर्ण कराया था, उसी तरह श्रीमन महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के हृदय में ये सारे तत्व को उन्होंने स्पूर्ण कराया था। इसलिए सर्वप्रथम उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में प्रणाम किया, बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की। फिर उन्होंने श्री मथुरा धाम को प्रणाम किया, वृंदावन धाम को प्रणाम किया, फिर श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम किया, फिर उन्होंने भक्ति देवी को प्रणाम किया, और लास्ट में श्री हरिनाम संकीर्तन को उन्होंने प्रणाम किया है, क्योंकि कलयुग में सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम जप करो। कलयुग केवल नाम अधरा और सुमिर सुमिर नर होता रहेगा। इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी टीका में लिखते हैं, कहते जो भगवान की जो नाम है ना, कहते हमारी पांच ज्ञानेन्द्रिया है। कितना ज्ञानेन्द्रिया है बता सकते हो क्या क्या? बोलो। बोले चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा और त्वचा। कहते ये हमारी पांच ज्ञानेन्द्रिया है। कहते ये हरिनाम ये पांच ज्ञानेन्द्रियों को कल्याण करता है। अगर किसी तरह से स्पर्श हो जाएगा, पहला नंबर चक्षु, बल आंखों का कैसे कल्याण करते हैं, आंखों के माध्यम से, जैसे कहीं अगर लिखा हुआ हरे कृष्ण तो हाथ उठाकर बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब हम उसको दर्शन करते हरे कृष्णा ये अक्षर है, हर ये अक्षर है। इसलिए मीरा कहती है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। सागर को लंग सके ना बिना फूल के राम, श्री राधे राधे जी सागर को लंग सके ना बिना फूल के राम, श्री राधे राधे कूद गया हनुमान उसी को, कूद गया हनुमान उसी को, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अथो पद में जब नाम
पुकारा जटा गयन श्याम राधे राधे जब तुझे जब नाम पुकारा जटा गयन श्याम राधे राधे साई के जटाया दुशासन साई के जटाया दुशासन साई बनाए श्याम हरि से गणारी इसलिए जो भगवान का नाम है और भगवान इसमें कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए कहते हैं ये केवल दृष्टि से, आंखों से जब हम देखते हैं हरे कृष्ण, कहते ये शब्द ब्रह्म, ये शब्द सामान्य नहीं, ये शब्द ब्रह्म है। इसलिए चक्षु बिलकर्ण मतलब कान, बोले कान के द्वारा भी कल्याण होता है। जैसे अभी हमने कीर्तन किया, किधर से सुना है? कानों से। जब भगवान का नाम हमारी कर्ण में प्रवेश करती है, कान के द्वारा भी जीव का कल्याण है। इसे चक्षु करना, उसको बाद में कहते त्वचा, चक्षु करना नासिका, कहते नाक को द्वारा भी कल्याण करता है। बोले नाक के द्वारा कैसे कल्याण करता है बताओ? जैसे हम यहाँ पर बैठ करके भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन से इसका जो वायु है वातावरण, ये शुद्ध हो जाता है। वातावरण शुद्ध हो जाता है, भगवान के नाम में बढ़ा सकती है। ये शब्द साधारण नहीं, जितना दूर तक ये शब्द जाए उतना दूर तक ये कल्याण कर देता है, हाँ दूर तक ये कल्याण कर देता है। इसलिए वातावरण भी प्रभु का नाम में शुद्ध हो जाता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को बोले, जैसे गजेंद्र है, गौर है, इसलिए अगर हम बोलूंगा देखो गजेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, दिल से बड़ा साफ है, दूसरों को कल्याण करता है, दूसरे की सेवा करता है, ये शब्द है, लेकिन ये शब्द ऐसे है लोगों को खुश कर देते हैं। अगर किसी को थोड़ी सी मैं गाली दे दो, पास देना क्रोध आ जाएगा, है मेरे को तुमने ऐसे बोला, ये शब्द का ही कमाल है ये गलत दुनिया। इसलिए जहाँ भगवान के नाम कीर्तन हो जाता है, वो शब्द से जहाँ तक इसकी आवाज जाती है, कितना मंगल भवन अमंगल हरि भगवान के नाम, ये शब्द को पवित्र कर देती है। जितने दूर तक भगवान के नाम गूंज उठे, सारे दुख कष्ट सारे को सारे खत्म कर देती है। लेकिन उसका हवा जब नासिका के अंदर में प्रवेश करता है ना, वो नासिका में प्रवेश करते ही वो नासिका शुद्ध हवा है, इसको द्वारा भी जीव का कल्याण होता है। चक्षु कर्ण नासिका, बोले जीवा, जीवा मतलब अगर ये नाम अगर जीवा में स्पर्श करे, अभी जो कीर्तन कर रहे हैं किसे कर रहे हैं? जीवा से कर रहे हैं। इसलिए ये नाम जब जीवा को स्पर्श करता है, इसको द्वारा भी कल्याण करता है। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ये जीवा का और रह गया त्वचा। त्वचा मतलब ये शरीर जो चमड़ा, इसको द्वारा कैसे कल्याण करता है? इसलिए आप लोग कभी कभी देखे होंगे कोई कोई व्यक्ति अपना शरीर में ना ये हरे कृष्ण नाम लिखते हैं। किसी किसी को देखोगे शरीर में श्री राधा रानी का नाम लिखते हैं। किसी किसी को देखना कोई कोई छाती में गौर हरी निताई गौर नाम, अपना बख्य स्थल में ये नाम भी लिखते हैं। जीत इधर आ जाओ। इसलिए इन्होंने इसलिए ये नाम को शरीर के ऊपर लिखते हैं, हैं? इसलिए हमारे जैव धर्म में आता है जब श्री वैष्णव दास जिस समय श्री वैष्णव दास हरिनाम कर रहे थे, हरिनाम करते करते उन्होंने अपराकृत श्री मायापुर को दर्शन किया, भगवान का धाम को दर्शन किया। कैसे ब्रह्मा शंकर सब के सब हाथ उठा करके शंकर जी गणेश और कार्तिक को लेकर के और पार्वती को लेकर के महाप्रभु को बोला श्री सचिनंदन गौर हरि की।
परिवार को लेकर के कैसे कृष्ण कीर्तन में महाप्रभु लोग मध्य बड़े सुंदर कैसे पेड़ पौधा से भरा हुआ अप्राकृत दिव्य उन्होंने श्री मायापुर धाम का दर्शन किया और उन्होंने क्या देखा भक्त लोग अपना शरीर पर श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नाम को शरीर में लिखे इसलिए जब ये हरिना कति जब शरीर को स्पर्श करता है ये कृष्ण नाम ये शरीर का भी कल्याण करता है इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं हरिना ये चक्षु कर्ण नासिका जीवा और ये त्वचा किसी तरह से भी ये पंच ज्ञानेन्द्रियों को द्वारा अगर हरिनाम इधर आ जा इसलिए आप सामने आ जा इसलिए पंच ज्ञान इंद्रियों को द्वारा जब कृष्ण नाम स्पर्श करता है इनका भी कल्याण कर देता है इसलिए श्री सनातन गोस्वामी बहुत सारे श्लोकों की यहाँ पर कोटेशन करके बोले ये हरिनाम की कितने महिमा है यहाँ पर एक श्लोक बोले बोले विकृष्ट पुत्र अधवार जत जामी लोपे नारायण इत्री म्रियमान या मुक्ति देखो भगवान का नाम कितने तरह से कल्याण करता है कहते अजामिल जिस समय अजामिल अपना अंतिम सज्जा में लेटा हुआ मरने वाले हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य ये तीनों को द्वारा पाप कर्म करते हैं इसलिए मरते समय तीन जंतु को आते हैं लेने के लिए और उसको गले में काल फांस को लगा करके जब खेच रहे थे इतने में अपना बेटे को उसने दूर में खेलते हुए देखा तो अपना बेटे को उन्होंने चित्कार करके बोले बेटा नारायण कितना कहे नारायण ये चार अक्षर है जब उन्होंने चार अक्षर नारायण बोले कहते जो विष्णु दूत है ना ये सरपत है यहाँ पर भी वो ऐसे कोई जगह नहीं वो जहाँ पर है ही सर्वत्र विद्यमान अगर कहीं भी भक्तों को पर में कोई विपत्ति पड़ना उसी समय में भक्तों को रक्षा करने के लिए वो प्रकट हो जाते हैं उसने जो नारायण बोला इतने में चार कर चट भीष्म दूत चार आ गई और जमदूत एक तरफ में भीष्म दूत एक तरफ में जमदूत और दोनों में घमासान लड़ाई हुई ये कहते हम ले जाएंगे वो कह रहे हम ले जाएंगे इतने में विष्णु दूत ने पूछा तुम लोग कौन हो बोले हम धर्म का दूत है बोले धर्म का नाम पर अधर्म क्यों कर रहे हो बोले अधर्म क्या कर रहे हैं आपको पता ही है क्या कौन है ये पहले ब्राह्मण घर में जन्म लिया घर में ब्राह्मणी अल्प वयस्क थी हैं लेकिन इसने अपना ब्राह्मणी को त्याग दिया और शूद्र वेश्या को साथ में रहा उसका हाथ में अमेध कुमेध को उसने भोजन किया और उसने बच्चों को पालना करने के लिए 10-10 बच्चे जन्म दिए गुंडागर्द डाकू चोरी बदमाशी हैं ऐसे कोई गंदा काम नहीं जो कि ये काम नहीं करते तुम्हें पता ही किसी ने क्या किया बोले भैया हमें पता ये पाप कर्म किया बोले पुण्य भी सब कुछ किया बोले पुण्य क्या किया बोले अभी जो उसने नारायण नाम लिया हैं अभी उसे नारायण नाम लिया बोले वाह जिंदगी भर पाप करो और मरने से पहले एक बार नारायण बोले हो गया सब इतने में विष्णु रुद्र कहते मूर्खो तुम्हें क्या पता है भगवत नाम में कितने शक्ति तुम्हें क्या पता है फिर जमदूत कहते हैं बोले भगवान को बुलाया था वो तो अपना बेटे को बुलाया भगवान को तो बुलाया नहीं वो तो अपने बेटे को बुलाया था हैं तब श्री विष्णुदूत कहते हैं जब उसने बेटा का नाम तो बोले नारायण रख लिया उसको सारे पाप नष्ट हो गया तो बोले बेटा का नाम नारायण रखने थे इसलिए ठीक है ना इसलिए इसने बेटे का नाम टिक्की फिक्की टुल्लू भुल्लू सब कुत्तों का नाम रखवा नहीं कुत्तों का नाम नहीं रखवाना रखवाना तो किसका नाम पर ठाकुर का नाम कृष्ण गोविंद दामोदर हैं जितना बार बच्चे को बोलोगे कम से कम प्रभु का मुंह से ठाकुर का नाम निकले बोले जब उसने बेटा का नाम नारायण रखा तभी उसको उसकी पाप से मुक्ति हो गई लेकिन बेटे को जैसे नारायण इधर आ जा नारायण गोद में आ जा नारायण पानी ले आ जैसे हम माला जप करते ना इसका हो गया ये माला जप हो गया हैं और अंतिम समय में जब उसने बेटे को बुलाया ये विशेष कृपा क्यों जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आप
अंतिम समय जो प्रभु का नाम लिया विशेष कृपा, मतलब प्रभु का नाम कर लिया, वो तो अपना बेटे को बुलाया था, अपना बेटे को बुलाया था, तब श्री जमदूत विष्णुदूत कहते हैं भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। अगर सांकेत्य, सांकेत्य मतलब इशारा करके बेटा का नाम कृष्ण गोविंद रख दिया, इशारा करके अगर बुलाते उसको भी कल्याण होता है। परिहास्यम परिहास पूर्वक है और तो स्तुति करते हुए और हेला पूर्वक निगलित पूर्वक भी भगवान का नाम लो ना कल्याण करते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया, देखो इस श्लोक में क्या कहते हैं, इधर आ जाओ बच्चा इधर आ जाओ। इसलिए देखो ये श्लोक में क्या कहते हैं, अजा मिल ने जब उन्होंने अपना बेटे को नारायण बोला, पहला उदाहरण दिया, उसने भगवान को नहीं बोलकर किसको बुलाया, बेटे को बुलाया, पहला नंबर। दूसरा नंबर है जिस समय उसने बुलाया वो कौन सा स्थिति में था, बिस्तरा में पड़ा हुआ था, उसमें टाटी पेशाब कर रहा था, अपवित्र अवस्था में। तीसरा कारण बताए विकृष्ण, विकृष्ण मतलब होता है जैसे किसी भगवान का नाम जब ले जैसे स्थिर बुद्धि से, जैसे बैठ करके नहा धो करके ठाकुर के सामने माला लेकर बैठ करके पवित्र होकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, जैसे स्थिर बुद्धि से भगवान को बुलाया। लेकिन उसने जो बुलाया किस रूप में बुलाया, किस रूप में, चित्कार करते हुए डर से, ये जमदूत हमको लेने के लिए आए, जमदूत हमें लेने के लिए आए, चित्कार करते हुए भय से डर से उसने बुलाया, स्थिर बुद्धि से नहीं, वो डर से उसने बुलाया, चित्कार करते हुए भय से उसने भगवान का नाम लिया। और अपवित्र भगवान को नहीं, लेकिन भगवान के नाम में इतने शक्ति इतना शक्ति, बोले अजामिल अभी मतलब महापापी, ऐसे कोई पाप नहीं जो उसने, जो पाप उसने नहीं किया। लेकिन इसी स्थिति में भी जब उन्होंने भगवान का नाम लिया ना, तभी भगवान का नाम उसका कल्याण कर दी, तभी भी भगवान का नाम उसकी कल्याण कर दी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जदात्मति तदात्मति कलो संकीर्त के सवम। इसलिए किसी तरह से अगर कई युग में भगवान का नाम को हम ग्रहण करते हैं, भगवान का नाम हर तरह से जीव का कल्याण करता है। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, इकाई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोले एकदा तीर्थ मूर्धन्य प्रयागे मुनि संगवा, मागे प्रात कृतम स्नान श्री माधव समीपत। एक समय एकदा तीर्थ मूर्धने न प्रयाग मुनि संगम, कहते जो तीर्थराज प्रयाग है ये कौन है, कहते ये तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कल हम सुन रहे थे ना यमुना नदी कितने महिमा है और गंगा का भी कोई कम नहीं, गंगा का भी कोई कम नहीं। इसलिए महाप्रभु जो संन्यास लेकर जा रहे थे, बड़ी दूर तक उन्होंने कहीं हरि का नाम नहीं सुने, लेकिन हठात उन्होंने सुना है बच्चे लोग श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े दूर में जाकर देखा बच्चे लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोले, बोले भैया अभी तक तो किसी के मुंह से ठाकुर का नाम ही नहीं सुने, लेकिन यहाँ आकर हरि बोल कैसे सुनाई पड़ रहे हैं। पर देखा पास में ये गंगा नदी बह रही, ये गंगा नदी की इतने पवित्र था, क्योंकि गंगा कौन है, भगवान की चरणामृत। इसलिए गंगा की हवा अगर किसको शरीर में लग जाए ना, वास उसके हृदय में भी भगवत भक्ति की संचार हो जाती है, क्योंकि ये ठाकुर जी की चरणामृत है श्री गंगा रानी। इसलिए गंगा का भी कोई बहुत महत्व, यमुना भी उस महत्व, फिर सरस्वती,
ये प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदी का संगम है, इसलिए इसको तीर्थराज प्रयाग होता है। मतलब एक समय है कि ये तीर्थराज प्रयाग में कुछ साधु लोग एकदम सवेरे सवेरे स्नान किया और वहां पर एक बेणी माधव, बेणी माधव मतलब गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी और माधव मतलब भगवान माधव चैतन्य महाप्रभु वहां पर गए हैं, इसलिए वही मंदिर में आकर के प्रयाग में स्नान किया, बेणी माधव को दर्शन किया, दर्शन करते हुए वहां पर बैठ करके आपस आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले क्या चर्चा कर रहे थे? बोले देखो तुम कितने सौभाग्यवान, अपने आप को नहीं बोल रहे थे, मैं कितने सौभाग्यवान, एक दूसरे की सौभाग्य गा रहे थे। एक मतलब माघ की महीना, इसी महीना में गोपियों ने कृष्ण को कात्यायनी महामाये महायोगिन्द्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में तुर्तन, वो महीना बड़ी महत्वपूर्ण महीना, उसी महीना में ही गोपियों ने ये कात्यायनी की पूजा की और भगवान कृष्ण के दर्शन और दर्शन करते हुए भगवान को वर प्रदान किया। बड़ा पुण्य की महीना और बैठ करके आप कितने सौभाग्यवान, देखो ये तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, उसके बाद में इधर बेणी माधव का दर्शन, कितने सौभाग्यवान, एक दूसरे की महिमा गा रहे थे। क्यों? संतों का जो गुण है वो संत कभी भी नहीं कहता है हमने ठाकुर का दर्शन किया, हम इतने पुण्यात्मा, हम इतने, ये जैसे जिस वृक्ष में ज्यादा फल आ जाए ना वो वृक्ष कभी ऊंचा नहीं होता है, क्या होता था? नीचा हो जाता है। जिसकी हृदय में जितने भक्ति आएगी उसके अंदर में घमंडता नहीं आएगी, उसके अंदर में दीनता आएगी। इसलिए महाप्रभु कहते हैं तिना दति सुनि के ना कर रवि सहि सुना अमानी नांग मान दे न कीर्तनीय सुताई, भक्तों का तो भूषण है दीनता है, दीनता ही इनकी भूषण है। एक दूसरों को महिमा गा रहे थे, तुम कितने सौभाग्यवान, तुम कितने सौभाग्यवान, जब कर रहे थे इतने में एक धनाढ्य ब्राह्मण वहां पर आया, अपना पत्नी बच्चों को साथ में आए, आकर के तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया, स्नान करते हुए गोबर मिट्टी से वो जगह को उन्होंने लिपा पोता लगाया और एक सिंहासन स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर में एक सुंदर शालग्राम शिला को वहां स्थापन कर दिया और उत्तर ऊपर में चांदुआ होता है ना, ऊपर में बड़े सुंदर चंद्रताप से ढक देख करके और उन्होंने क्या किया, अपना हाथों से उन्होंने खाना बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी है बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, बना करके ठाकुर जी को सामने तुलसी बता दे करके श्री शालग्राम को भोग लगाया और भोग लगा करके जितने वहां पर ब्राह्मण संत थे अपना हाथों से उनने सबको बैठा कर खाना खिलाया, सबको बैठा कर खाना खिलाया और उसको बाद में और जितने लोग थे सबको खाना खिलाया। यहाँ तक भी वहां के जो कुत्ते पशु पक्षी सभी को उन्होंने खिलाया, कोई भूखे नहीं रह गए, भगवान की प्रसाद सबको ठाकुर जी का प्रसाद मिले, सबको उन्होंने खाना खिला करके जो बच गया फिर उनको दोनों पति पत्नी बच्चों को साथ में दोनों पति पत्नी उन्होंने प्रसाद पाए, प्रसाद पाकर शिक्षा देते हैं, जैसे किसी घर में जाते हैं ना ऐसे नहीं किसको खिलाए ना स्वयं चट कर दिया स्वयं खा लिया, नहीं पहले क्या करो, अतिथि जो लोग आए हैं ब्राह्मण साधु जो आए सबसे पहले उनको खिलाओ, उनको खिलाने के बाद में जो बच जाएगा फिर स्वयं भोजन करो। फिर करके उन्होंने क्या किया, फिर श्री ठाकुर शालग्राम के पास में आए, आ करके बोले ठाकुर जी आज मैंने जो कुछ ये शुभ कर्म किया है, हैं जो भोग लगाया संतो ब्राह्मण सबको जो हमने भोजन करवाया इसका जितने पुण्य फल ठाकुर जी कृष्णा कृष्णा अर्पण वस्तु आपको सारे पुण्य में आपको अर्पण कर रहा हूं। अर्पण करते हुए ब्राह्मण जी जा रहे थे, इतने में वहीं पर श्री नारद जी बैठ बैठ कर सारे रहस्य को देख रहे थे। तो देखो इतने बड़े पैसा वाला अपना हाथों से खाना बनाया भोग लगाया और क्या किया, सारे ब्राह्मण साधु सबको सबको पिलाया
इतना नहीं, उसका फल फिर ठाकुर जी को अर्पण किया, अर्पण करते हुए और उन्हें जा रहे हैं। वास नारद जी वहीं पर बैठे हुए थे, इतने में श्री नारद जी वास कीर्तन करते करते नारद जी आ गए। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि जय राधा जय राधा हरि बोल जय राधा हरि जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, नट नागर नावल चल रसिया, नट नागर नावल चल रसिया, मेरो वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री नारद जी आकर के बोले, मैंने अपना आंखों से देखा है आपकी कितने उच्च भक्ति है भैया, आपके जैसी जगत में भक्त जगत में कोई हो ही नहीं सकता, जगत में सबसे श्रेष्ठ भक्त आप है। लेकिन जब उनको ये बताए और भक्ति का स्वभाव किया है, हम लोग थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी हरि बोल हरे कृष्णा, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी सरक कर हरे कृष्णा, एकदम सर आ जाओ, घर आ जाओ सामने आ जाओ, अरे वृद्धा कौन हो जाए फर्दर की संख्या, हरे कृष्णा एकदम सटक कर बैठ जाओ, लगता है बर्फ जैसे सब जम गए, कोई फिसल ना नहीं जा रही, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, हरे कृष्णा हरि बोल, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर के सामने सटक कर बैठ जाओ, एकदम ठाकुर के सामने हरे कृष्णा। जब श्री नारद जी बोले, मैंने अपना आंखों से देखा आपकी भक्ति कितने श्रेष्ठ भक्ति है, लेकिन भक्ति का क्या स्वभाव है, जिसको अंदर में जितना भक्ति होगा ना वो उतना नीचे झुक जाता है, वो कभी सर खड़े नहीं करता है, वो उतना झुक जाते हैं। तब श्री वो व्यक्ति ने बताए, बोले आप मेरे को भक्त बताते हो, भक्त देखना जाओ, बोले कहाँ पर जाओ, बोले किंतु दक्षिण देशे जो महाराज विराजते सही कृष्ण कृपा पात्रम जस देश सुरालया। अगर भक्त देखना चाहते हो कहाँ जाओ, दक्षिण देश में जाओ, देखोगे अरे मैं तो एक साधारण प्रजा हूँ, लेकिन देखोगे दक्षिण देश का राजा को देखोगे, हैं राजा होते हुए भी क्या कर रहे हैं, अपना हाथों से अपना परिवार को साथ में देखना। अगर हमारे पास में ज्यादा पैसा है, भले एक मंदिर हमने बना दिया, देखना ठाकुर का सेवा पूजा अपना हाथों से नहीं करेगा, नौकर लगा देगा, वो नौकर लगा लेगा, अपना हाथों से ठाकुर का सेवा नहीं करेगा। लेकिन आप वहां पर जाकर के देखो, राजा अपना पत्नी बच्चों को लेकर के कैसे अष्ट जाम ठाकुर जी की सेवा में कैसे नियुक्त करोगे, अपना हाथों से रोसी बनाना, ठाकुर को श्रृंगार करना, भोग लगाना, सारे साधु संतों को खिलाना, और उसी देश में देखोगे एक मंदिर नहीं, वहां पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर एक नहीं देखोगे, जगह जगह पर भगवत मंदिर, और जगह जगह पर देखोगे धर्मशाला, और वहां पर स्वच्छंद गति से जितने अतिथि अभ्यागत वहां आते हैं सभी के लिए खुला प्रसाद है। जिस मंदिर में जाओ उसी मंदिर में प्रसाद, जगह जगह पर देखोगे सत्संग हरि कीर्तन, सभी की गला में देखोगे तुलसी कंठी, सभी के ललाट में देखोगे तिलक है। अभी अब भी आप देखें जिसमें जाओ नारायण मंदिर देखोगे ना, वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी तिलक लगाए हुए, गले में कंठी पहने हुए आप देखोगे, धोती पहने हुए छोटे छोटे बच्चों को धोती पहनते हुए देखोगे, सब के सब भगवान की। देखो पहले हमारे जो भारत भूमि है ना, ये पुण्य भूमि है, इसलिए इसका नाम भारत, क्या नाम है भारत, मतलब क्या, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब हर समय जो प्रकाश का तरफ में रहते रहते थे। पहले हर व्यक्ति घर में भगवान की सेवा यदि चले सब, हर घर में ठाकुर जी की सेवा भक्ति पूजा है, सब ठाकुर की भोग लगाना है। लेकिन अभी क्या हो गया, ये मुगल ने क्या किया, ये मांस मछली प्याज लहसुन लाए और सबको मुसलमान बनाया, ये कोई हिंदू पहले नहीं खाता था, प्याज लहसुन कोई नहीं खाते थे, हर घर में ठाकुर को पूजा सेवा ठाकुर को भक्ति होता था, ये प्याज लहसुन हमारी भोजन नहीं है, ये मुगल ने ला कर हमें सब मुगल बना दिया। इसलिए नवरात्रि आया था ना, अभी 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन खा रहे थे, क्यों नहीं खा रहे थे, इसलिए ये माता की वो पसंद नहीं खा दो, सभी तो नहीं खा रहे थे ना, इसलिए हम सब मुसलमान हम बना दिया, सब प्याज लहसुन खिला करके। इसलिए बोले वहां पर जाकर के देखोगे सब जगह में अर्ण छत्र कीर्तन सत्संग भजन सब जगह में प्रभु का नाम कीर्तन में गुंज उठता हुआ देखोगे वहां पर, और वहां पर क्या देखोगे, वहां पर देखोगे वहां पर कोई भी बीज नहीं बोते, जमीन पर बीज नहीं बोते,
लेकिन अपनी आप इतने सस्य होता है खा कर भी खत्म नहीं कर पाते। बल ऐसे क्यों? कारण क्या? बल कारण है ये पृथ्वी माँ है, पृथ्वी ये माँ है। माँ कब संतुष्ट होती? जब तुम पिताजी की आदेश पालन करो। माँ की आदेश पालन करो, देखना जो बच्चा सवेरे उठेगा पिता माता की चरण छुएगा, पिता माता की सेवा करेगा, पिता माता क्या करेगा? सारे संपत्ति उसको नाम पर लिख देते हैं और कहते इतने अच्छा बच्चा, इसके लिए इतने पैसा कमाओ, कभी इसकी कमी नहीं हो, इतना बच्चा मेरी सेवा करता है। इसलिए ये पृथ्वी माँ है। ये माँ कब संतुष्ट होती है? जब तुम पिता की सेवा करो। इसलिए भागवत में कथा आती है बैन राजा के समय पर। बैन राजा इतने दुष्ट, इतने बदमाश राजा था, इतने दुष्ट राजा था, बोले मेरे देश में कोई हरि कीर्तन नहीं कर सकते हो, मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हो, मेरे देश में कोई भजन पूजा पाठ नहीं चलेगा, जो कुछ करो मेरे करो, मेरा नाम मेरे पूजा मेरे। इसलिए उसको देश में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया उसको देश में। कोई जमीनी बीज बोए तो बीज खत्म, पेड़ हुए नहीं, लोग मारे मारे बट गए। लेकिन जब वृद्ध महाराज ने आए, उन्होंने धनुष उठाया, बोले क्यों तुम सारे चीज हरण कर रहे हो, मैं तुमको सत्यानाश कर दूंगा। माँ पृथ्वी स्वयं प्रकट हुई, बोले बेटा ऐसे मत किया करो, अगर बच्चा कभी बदमाशी बनता है ना, पिता माता कभी तो शासन करते हैं। ये जो दुष्ट राजा बैंड था, ये नास्तिक था, ये भक्ति नहीं करता था। और भगवान दुनिया बनाया किसने? दुनिया ठाकुर ने बनाया, भगवान की दुनिया, हमने कोई चीज नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। जिस देश में रहोगे जिसका खाओगे, इसे सूरदास जी कहते हैं ना, जिनी तनु देही ताही विसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कोन कुटिल फलकामी। तेरे को जिसने दुनिया जन्म सब कुछ दिया, तो उसको ही भूल कर बैठ गया। हमारे जैसे कौन कुटिल खाल कामी, हमारे जैसे स्वार्थी कौन हो सकता है। इसलिए ये पृथ्वी बलि इसमें शासन कर रही थी। अगर आप अगर बेड़ा उठाते हो, सबको भजन कराओगे भक्ति कराओगे, मेरे में सारे वस्तु देने के लिए तैयार हो है। इसलिए पृथ्वी को अपना गर्भ बताया, पृथ्वी के अंदर में सब कुछ उसके अंदर में। इसलिए कहते उसी देश में सस्य सामल पेड़ हरा भरा, इतने कोई पेड़ नहीं लगाया करते थे, कोई खेती नहीं करते थे, इतना सस्य इतने खाना पीना खा कर खत्म नहीं कर पाते थे। क्यों? सबके सब भगवान की भजन करते थे। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। एक बार बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नारद जब इतनी सी बात सुना, नारद उठाया बिना बास बिना बजात बजाते कीर्तन करते करते पहुंच गया कहाँ? पहुंच गया दक्षिण देश राजा राजा का राज्य में। सचमुच से उन्होंने जितना सुना था उससे ज्यादा देखा वहां पर। सभी को मुंह में भगवान श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सबके सब श्री लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण का नाम जप कर रहे, सभी की ललाट पर तिलक, जैसे बाबा तिलक लगाए ना, देखो बाबा का तिलक देख लो, वहां पर सभी का ललाट में ये तिलक था, क्योंकि वो दक्षिण देश में लक्ष्मी नारायण को पा सके, सभी की ललाट में ऐसे तिलक सभी की ललाट में था। पहले हिंदू मात्र में ही तिलक, गला में कंठी चोटी, ये हमारे धर्म, ये हमारी धर्म है। अभी धीरे 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 सब बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, सभी की ललाट में तिलक भक्ति। उन्होंने जितना सुना था उससे कई गुण उन्होंने ज्यादा वहां पर देखा। स्थल स्थल पर सत्संग भोजन, जहां जाओ ठाकुर का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद। उन्होंने राजा और रानी की ये भक्ति देख करके बास उनकी, बोले महाराज जी आप जैसे भगवान की कोई इतने अच्छे कृपा पात्र नहीं है। लेकिन देश का राजा होते हुए भी कोई अभिमान नहीं, पत्नी को साथ में बच्चों को साथ में लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हो, भगवान की उपासना कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है हमारे कलयुग में,
अगर थोड़ी सी किस्त ज्यादा पैसा हो गया ना, पहले तो भगवान भूल जाएगा। ठाकुर जी भगवान भगवान कौन होते हैं, ये सब बेकार चीजें। जिसको पास में कोई काम धाम नहीं ना, वही सब माला लेकर भजन करते भक्ति करते हैं, हैं? वही पहले सबसे पहले नास्ती वही बन जाते हैं। थोड़ी सी ज्यादा अगर प्रभु जी उसको लक्ष्मी दे दे तो सबसे पहले भक्ति छोड़ देते हैं, हैं? लेकिन पहले देखो कितने बड़े बड़े राजा होते थे, श्री युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, हैं? क्या कर रहे हैं? अभी तो ठीक। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण हरि ओम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। बोले आप भगवान के सबसे, भगवान के बड़े कृपा पत्र आप ही हो, कोई अभिमान नहीं। परिवार को साथ में ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। सुनते ही इन्होंने बोले नारद बाबा मेरे को क्यों लज्जा दे रहे हैं, मेरे को लज्जा क्यों दे रहे हैं, आप कह रहे हो मैं भक्त हूँ। अरे हम लोग मानव है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, इसी मर्त्य जगत में रह रहे हैं। मर्त्य जगत क्या है, इसका नाम ही मर्त्य जगत। एक दिन सबको मरना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम मर्त्य जगत है। और हम लोग हर समय आदि दैवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों दुखों में हर समय पीड़ित है। सभी की मानसिक कष्ट है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसको पास में टेंशन नहीं, जिसको पास में है डिप्रेशन नहीं। सबके सब डिप्रेशन, सबके सब टेंशन की बीमारी सबके पास में। इसलिए और सभी के सब देवता का द्वारा, अब टीवी में देखते होंगे उड़ीसा में कैसे आंधी तूफान, कभी पूर्व कभी बंगाल में गए हैं, पता नहीं कहाँ है। इसलिए ये देवताओं को द्वारा दिया हुआ, फिर एक जीव से जीव को जीव द्वारा दिया हुआ है। इसलिए हम ये मरते जगत में रहते हैं, हम लोग मानस मानव है, हर समय हम कर्म का अधीन है, कर्म का अधीन। और हम लोग हर समय भयाक्रांत है, और हम लोगों का जो आयु है बहुत कम है, पता नहीं किस समय मर जाएंगे, कोई पता नहीं। बैठते बैठते हार आता हो जाता है, बैठ बैठ करके। और हम लोग अल्प ऐश्वर्य है, और हम लोग पापी है, हैं? सत्व रज तम तीन गुण में हम लोग अधीन है। लेकिन हाँ, अगर तू देखना चाहते हो, जाओ भगवान की सबसे बड़ी कृपा पात्र कहाँ, स्वर्ग। स्वर्ग में जाकर के देखोगे, और स्वर्ग का जो राजा कौन है, इंद्र है। वहां जाकर के देखो तो स्वर्ग का देवता कैसे है, तो वो सब के सब निष्पाप है, उनका अंदर कोई पाप नहीं, इसलिए उनका नाम देवता। देवता मतलब हर समय दिव्यमान निर्चरा, कभी वो बूढ़े नहीं होते हैं, हैं? हर समय जवानी, हर समय टीन एज का हर समय रहते हैं। कहते उसी उनका शरीर ठंडा में गर्मी और गर्मी में ठंडा रहते हैं, कोई दुख कष्ट नहीं, हर समय सुखी, अपना इच्छा अनुरूप जहाँ चाहते हैं। हम लोग तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए एरोप्लेन चाहिए, जान उनके नहीं, जैसे इच्छा हो, इच्छा करते ही अपने आप पहुंच जाते हैं। हम जहाँ चाहेंगे वहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी जहाँ इच्छा करे वो वहीं जा सकते हैं। और इंसान क्या करता है, देवता का पूजा करता है, ठाकुर जी हमें ये दो, ये देवता को ये दो, ये दो, ये दो। देवता लोग क्या करते हैं, हमारी अभिलाष को पूर्ण करते हैं, और हर समय वो स्वर्ग अमृत पान करते हैं, और वो जरा शरीर में कोई रोग होने की नहीं आते हैं, और उनका खुदा कोई तृष्णा नहीं उनकी, और वो स्वच्छंद गति में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। जो वस्तु हम यज्ञ में आहुति देते हैं उसको खा करके वो आनंद में रहते हैं। और उनका अंदर में जो श्रेष्ठ कौन है, कहते महाराज इंद्र है, महाराज श्री इंद्र है। इसलिए इंद्र लोक की कैसे वहां स्थिति बताते हैं, कहते वहां पर, कहते वहां पर उच्च सर्वा अश्व, ऐरावत हस्ती,
और वहां पर जो गाभी है ना, जैसे हम गाभी को कोई दोहन करते हैं, एक बार दोहन लिया तो दिन भर के लिए दूध नहीं देगा, लेकिन वहां पर नहीं, वो काम धेनु। वो काम धेनु मतलब क्या, आप सुने होंगे काम धेनु की कथा, कैसे श्री हैं, कैसे श्री वशिष्ठ के पास में काम धेनु था, और एक समय श्री विश्वामित्र जी वहां पर पहुंचे और बहुत सैन्य सामंत लेकर के गए थे। कौन? श्री विश्वामित्र। जब वशिष्ठ का आश्रम में पहुंच, जब लेकिन शाम हो गया, अब एक रात यहीं पर रुक जा, बोले आप क्या रुकवाओगे, साधु संत आदमी आप क्या हमें रुकवाओगे, हमारे साथ में इतने सैन्य सामान, इतने हाथी घोड़ा, आप क्या करोगे। बोले केवल आप हाँ भर सब कर देंगे। जो उन्हें हाँ भर दिया ना, हाथियों के लिए अलग भवन, घोड़ा के लिए अलग भवन, और जितने सैनिक के लिए अलग भवन, और विश्वामित्र के लिए अलग भवन, और उन्होंने जो खाना पीना उन्होंने जो खिलाया, जिसको देख करके विश्वामित्र दंग रह गए। बोले भैया मैं तो कभी इतने स्वादिष्ट और इतने सुंदर भोजन हमने कभी किया नहीं, ये सब चीज मिली कहां से। बोले एक काम है धन्य के गाभी से, बोले एक गाभी जो मांगो वही दे देगा। इसलिए विश्वामित्र के लिए बड़ी लड़ाई हुआ। इसलिए कहते वहां पर जितने गाभी है, कहते सब के सब श्री काम हैं, काम धेनु है, और वहां पर नंदन कानन है, और नंदन कानन में जो फूल कैसे पारिजात पुष्प, कहते ये पारिजात पुष्प को, ये पारिजात पुष्प क्या है, बोले जो फूल कभी मुरझाएगा नहीं। कहते एक पुष्प में इतने शक्ति, वर्णना करते हैं एक पुष्प में इतने शक्ति है, उसके लिए कहते हैं वहां कल्प वृक्ष लेते पारिजात, ये कल्प वृक्ष एक पुष्प से आप जो मांगोगे, अगर चाहोगे आज बढ़िया बढ़िया खाना चाहते हैं, जैसे खाना चाहोगे वैसे दे देगा, हम बढ़िया बढ़िया पहनना चाहते वो दे देगा, बढ़िया बढ़िया ड्रिंक पीना चाहते वही दे देगा, नृत्य गीत वाद्य, कहते एक फूल में इतने शक्ति, तुम्हारी सारी इच्छाओं को एक फूल ही सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी, ऐसे अद्भुत वो पुष्प की। इसलिए कहते वहां पर सब कुछ है, कहां पर, बोले श्री स्वर्ग लोक में। हाँ, अगर देखना चाहते हो ना, स्वर्ग में जाओ देखो, और एक चीज देखोगे, क्या देखोगे, बोले इंद्र, बोले चाहे छोटे भाई उपेंद्र, उपेंद्र कौन, श्री भामन थे, भगवान स्वयं उनके प्रेम में बसीभूत होकर के ये स्वयं श्री उपेंद्र रूप में, कहते श्री बामन रूप में वहां पर नित्य विराजमान है। इसलिए अगर आप देखना चाहते हो, भक्तों को देखना चाहते हो, कहां पर चलो, जाओ स्वर्ग लोक में जाओ, स्वर्ग लोक में जाकर के देखोगे इंद्र की ऐश्वर्य को देखोगे, इंद्र की वैभव को देखोगे, इंद्र की महिमा को देखकर दंग हो जाओगे, भगवान कैसे उनकी छोटे भाई रूप में कैसे विद्यमान। जब श्री राजा ने स्वर्ग की महिमा को गाए, इंद्र की महिमा को गाए, पास इसको सुन करके श्री नारद जी अपना बीना उठाया, बोले बाबा फिर तो इंद्र ये सर्वश्रेष्ठ भक्त और भगवान की सबसे बड़ा कृपा पात्र कौन है, महाराज इंद्र। उन्होंने उठाया अपना बीना, और अपना बीना उठा करके अनुभव माधुरी बिंदा बड़ा अनुभव माधुरी जो आता है उधर अनुपमा माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की 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 रसी रस भरी अखियां I'm not afraid.
Thank you.
सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर प्रेमानंदी जब श्री नारद जी सुना रो भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र कौन वो इंद्र है। इंद्र में नारद जी उठाए अपना वीणा और वीणा बजाते बजाते पहुंच गया स्वर्ग। जब स्वर्ग में पहुंचे वहां पर देखा सभा जिसका नाम सुधर्मा सभा, जिसका नाम कहते क्या सभा है सुधर्मा सभा नहीं, उसका नाम है पारिजात पुष्प और श्री क्या सभा का नाम सभा। वहां पर जाकर देखा वहां पर सभा में हाँ वहां पर सभा में भगवान श्री कौन बैठे हुए भगवान बामन देव बैठे हुए और उनकी गले में सुंदर फूलों की माला पड़ा हुआ और वहां पर सुंदर सुंदर सब अप्सरिया गंधर्विया बड़े सुंदर ठाकुर जी के बामन देव का भजन गा रहे हैं और सबके सब प्रभु का कीर्तन में सबके सब मस्त है। और श्री बामन देव श्री इंद्र को ऊपर में हाथ रख करके बोले इंद्र कोई चिंता मत करो, कोई भी विपत्ति आए तो मैं रक्षा करने वाला नहीं, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए भगवान की बामन बनकर के इंद्र की छोटे भैया श्री उपेंद्र बनकर के हर समय स्वर्ग की रक्षा कर रहे हैं, श्री बामन देव रक्षा कर रहे हैं। जब वहां पर श्री नारद जी पहुंचे और उन्होंने देखा इंद्र की ऐश्वर्य जगह देखा और श्री भूदेवी कैसे सुंदर पान की तांबुल कैसे श्री बामन देव को दे रही और बड़े सुंदर परिवेश देख करके नारद जी बोले इंद्र जगत में अगर सबसे कोई भगवान की बड़ी कृपा पात्र तुम हो, तेरे जैसे भगवान की इतने बड़े भक्त क्यों कोई नहीं, क्योंकि भगवान प्रेम में वशीभूत होकर के तुम्हारे छोटे भाई बन गए, इसलिए तुम बड़े कृपा पात्र हो। और देखा इंद्र उनका सहस्र नयन से अश्रु झर रहा है और भगवान की कीर्तन में और इंद्र कीर्तन में मस्त है। बोले भैया तुम भगवान के सबसे कृपा पात्र तुम ही हो। इंद्र की सब बात को सुन करके इंद्र बोले आप कह रहे हो मैं भगवान के सबसे कृपा पात्र, आपको पता नहीं मेरी क्या स्थिति है, हर समय हम डरे हुए हैं, क्योंकि इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, इसलिए 100 साल के बाद में इंद्र का भी पतन है, हर समय हम डरे हुए रहते हैं। और अगर कोई मरते जगत में थोड़ी सी तपस्या करना शुरू कर देना सबसे पहले मेरा आसन हिलना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने कितना बार ना जानी मैंने कभी स्वर भी बना कर है कभी मैंने स्वर भी बना, इसलिए कभी गुरु जी के अभिशाप मेरे ऊपर में लगी। और तब तक हम स्वर्ग में रहते हैं जब तक हमारी परमायु समाप्त नहीं हो जाए, परमायु समाप्त होते ही हमें भी ये स्वर्ग से हमारे भी चुप्त हो जाते हैं। और तुम्हें पता है ये स्वर्ग का महिमा क्यों, बोले कारण स्वर्ग का महिमा इसीलिए यहाँ पर ये कल्प वृक्ष है, वहां पर पाई जात वृक्ष वहां पर है, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी इसका अभिमान भी तोड़ दिया। बोले कैसे, बोले एक समय से नारद जी गए थे स्वर्ग में, स्वर्ग से एक पारिजात पुष्प लेकर के आए द्वारका में, देखा कृष्ण बैठे हुए और उनका 8 पटरानियां पास पास में बैठी हुई और नारद जी वो फूल पर ला करके श्री कृष्ण को हाथ में पकड़ा दिए। बोले कृष्ण ये 8 पटरानियों में सबसे जो तुम्हारी ज्यादा प्यारी हो ना उसको हाथ में ये फूल दे दो। कृष्ण ने कहा नारद जी पता नहीं कहां से आए लड़ाई करने के लिए, हाँ ये लड़ाई लगाने के लिए, क्योंकि कृष्ण जब रुक्मिणी को पास में होते थे बोले रुक्मिणी तू सबसे बड़ी रानी हो, तेरे जैसे मेरी कोई प्यारी है नहीं, लेकिन जब सत्यभामा को पास में बोले सबसे ज्यादा मैं तेरे को प्रेम करता हूँ, तेरे को जितना प्रेम करता हूँ और किसी को इतना मैं प्रेम ही नहीं करता हूँ, लेकिन जब कालिंदी को पास में होते हैं कहते सबसे प्यारी तुम हो, तेरी जैसे कोई मेरी प्यारी नहीं, कृष्ण सबके जैसे बोलते रहते हैं। अभी उन्होंने बोले सबसे जो तुम्हारी प्यारी उसको ये फूल दो, कृष्ण तो बड़े विपत्ति में पड़ गए। नारद जी बोले कृष्ण जल्दी जल्दी करो,
मेरे पास में समय नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा है। इतने मेरे पास में बैठी हुई थी रुक्मिणी, उन्होंने ये फूल उसने रुक्मिणी को हाथ में पकड़ा दिया। क्यों? तो सबसे बड़ी रानी पास। कहते रुक्मिणी कौन है? बोली ये चंद्रावली के अंश में आई। बोली ये सत्यभामा कौन है? कहते राधा जी के अंश से ये सत्यभामा है। और राधा रानी उनका मान दुर्जय मान है। इतने में जब उन्होंने रुक्मिणी को हाथ में जो फूल पकड़ा है, इतने में सत्यभामा को तो इतना क्रोध आया, प्यार पटकती हुई हाँ एकदम तमतमाते हुई प्यार पटकती हुई वहां चली गई और मान भवन में सीधा लेट गए। कृष्ण ने देखा, नारद जी देखो कैसे लड़ाई लगाई। अभी कृष्ण गए जाकर के रुक्मिणी के ऊपर हाथ रखती ना सत्यभामा के ऊपर, सत्यभामा के हाथ को फेंक दिए। बोला आप ऊपर में जैसे काले हैं वो अंदर से उससे ज्यादा काले आओ। आज तो भरी सभा में आप तुम्हारे नाक कटवा दिए। आप बोलते थे तुम्हें मैं जितने प्रेम करती हूँ और किसी को इतना प्रेम नहीं करती हूँ, आज तो पता चले गए आप किसको ज्यादा प्रेम करते हो। कृष्ण ने कहा सत्यभामा तेरे को मैंने तो रुक्मिणी को एक फूल दिया है, तेरे लिए तो मैं स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उखाड़ कर ले आई। बोले ज्यादा बोलो मत, जिसने एक फूल नहीं दे पाए और स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उखाड़ ले आएंगे, इतने आप झूठ बोलते हो। बोले चलो अभी ले चलो। बस रुक्मिणी कृष्ण सत्यभामा को गौरू को पीठ पर लेकर चले गए कहां स्वर्ग में। इंद्र से बोले देखो मेरी पत्नी सत्यभामा मान की एक यहां से पारिजात वृक्ष दे दो। इंद्र ने कहा क्या इस स्वर्ग का महिमा क्यों? इसलिए कि इस स्वर्ग की महिमा यहाँ पर ये पारिजात वृक्ष है। अगर ये मरते जगत में चला गया स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रह जाएगी, इसलिए हम पारिजात वृक्ष हम नहीं दे सकते हैं। बोले फिर तो मेरे को अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा। कृष्ण अपना पराक्रम को दिखाते हुए एक साथ में सारे देवता भगवान के ऊपर में सबके सब झपट पड़े और कृष्ण अपना सारंग धनुष लिए और सारे देवता को परास्त करते हुए देखते देखते वहां से पारिजात वृक्ष को उखाड़ करके गरुड़ को पीठ पर रखे और कहां पर लगा दिया सत्यभामा को घर के सामने। और सत्यभामा की आनंद की सीमा नहीं। बोले रुक्मिणी को तो एक फूल दिए और मेरे लिए स्वर्ग से वृक्ष ले आए। फिर सत्यभामा सारे रानियों को निमंत्रण किया। बोले देखो तुम लोग ये समझोगे कृष्ण रुक्मिणी को सदा प्रेम करते हैं, अरे उनको तो एक फूल दिया मेरे लिए तो स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उखाड़ कर ले आए। सब रानियों को निमंत्रण दी और तो सबको दिखाया देखो कृष्ण सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। इसलिए इंद्र कहते हैं कृष्ण ने स्वर्ग का सारे अभिमान, देवता का मेरे सारे अभिमान तुमने चकनाचूर कृष्ण ने कर दिए और मैंने कितने कितने बार कितने कितने गलती कृष्ण को चरण में किया। फिर कौन सा गलती की? कृष्ण जिस समय गिरिराज गोवर्धन पूजा की बंद करा दिए। बोले गिरिराज श्री इंद्र पूजा बंद करा के से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाए, उस समय इंद्र बिगड़ गए। बोले एक ग्वाला का बात सुन करके और इतने दिन से मेरी पूजा हो रही थी मेरी पूजा बंद कर दिया, अभी तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। उसने क्या किया 7 दिन तक उन्होंने लगातार उन्होंने बारिश ओले और वज्रपात हाँ ओले गिराए, लेकिन कृष्ण ने क्या की कनिष्ठ अंगुली में श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। गिरिराज महाराज की जय। और सारे ब्रजवासी गिरिराज को नीचे 7 दिन तक उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। जब इंद्र को इंद्र ने एक को भेजा देख कर क्या हो तो ये ब्रज की सत्यानाश होगी कि नहीं, एक ने ऊपर ऊपर से देख कर गए। बोले महाराज इंद्र स्वर्ग श्री मरते जगत में एक चिट्ठी तक अभी नहीं सब खत्म, उसने और एक को भेजा तुम देख करके आओ, वो तो ऊपर ऊपर से देख कर गया था, उसने नीचे आया, नीचे आकर के देखा वहां एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं, वहां पर तो धूल उड़ रहा था, वहां पर आनंद में सबके संतों कीर्तन कर रहे थे और कृष्ण के मुखार बिंद को दर्शन करते हुए आनंद में विभोर हो रहे थे। जब उसने वापस गया बोले बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं,
बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब क्या, जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था वो बालक नहीं, उसने तो कनिष्ठ अंगुल में श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा कर रखी। इंद्र ने देखा भैया ये कौन है, देखा ये तो मेरे प्रभु है, जिसने कृपा कर जाने ये इंद्र बद बुद्धिया मेरे प्रभु है। फिर इंद्र ने कितने नाक रगड़े, इंद्र कितने नाक रगड़े, कहते तुम कह रहे हो मैं भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र है, अगर सबसे बड़े कृपा पात्र होता क्या भगवान को साथ में मैं कभी युद्ध करता, फिर ब्रजवासियों को इतने मैंने कभी कष्ट पहुंचाता, कभी ब्रजवासियों को मेरे वजह से ब्रजवासी कितने कष्ट मिले, ब्रजवासियों को कितना कष्ट मिला। फिर प्रभु जी मेरे द्वारा देखो कितने कितने पाप कर्म करवाए, मेरे को द्वारा उन्होंने पितरासुर को उन्होंने मारा है। पितरासुर कौन है, जो पूर्व जन्म में श्री चित्रकेतु महाराज थे है, ये चित्रकेतु महाराज थे। एक समय ये चित्रकेतु महाराज आकाश में विमान में अपना पत्नियों को लेकर भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते कैलाश में पहुंचे तो देखा शंकर जी अपना गोद में पार्वती को लेकर के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तत्व ज्ञान की ज्ञान दे रहे थे। इतने में चित्रकेतु कौन है, बोले शंकर सन के शिष्य है। शंकर जी कौन है, ये शंकर सन के शिष्य पिछले गुरु भाई लगते हैं। अब देखना कभी एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को सब में टिप्पणी करता है, गुरु भाई है ना, इसलिए यद्यपि वो शंकर जी की महिमा जानते हैं लेकिन उन्होंने जगत की शिक्षा के लिए थोड़ी सी उन्होंने ठीको लिखी। बोले देखो पत्नी को तो गोद में लेकर एकांत में पत्नी को गोद में बैठानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऋषि समाज ने खुला और अपना पत्नी को गोद में लेकर फिर कर रहे क्या, फिर बड़े बड़े तत्व ज्ञान की शिक्षा दे रहे ऋषियों को, ये शोभा देता है। बस कितना सुनते ही वहां पर कितना हरि हर निंदा सुनई जे काना होई पाप को हाथ समाना। पार्वती बोली यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बैठे हुए जिनको तत्व ज्ञान शंकर जी दे रहे हैं, ये शंकर जी महिमा को समझ नहीं, और तुमने समझ गया भरी सभा में शंकर जी को तुम टोटी कर रहे हो, बोले जाओ तुम ही राक्षस जन्म में तुम चले जाओ, उन्होंने अभिशाप दे दिया। लेकिन चित्रकेतु महाराज साधारण है, ये भी शंकर जी के गुरु आई है, लेकिन ये उल्टा अभिशाप दे सकते थे, ये उल्टा अभिशाप अगर पार्वती को देते ना पार्वती खुद को खुद रक्षा नहीं कर पाती, लेकिन चूंकि वो भक्त हैं संत हैं इसलिए भगवान की भक्त है, इसलिए चित्रकेतु ने माता जी के चरण में प्रणाम किया, बोले माता जी अपने अभिशाप दिया कोई बात नहीं, इतना केवल मेरे ऊपर कृपा करो भले ही मैं किसी जन्म में क्यों नहीं जाए लेकिन ठाकुर जी की भक्ति जैसे भूल, ठाकुर जी की भजन जैसे भूलना नहीं चाहिए, मेरे को आशीर्वाद दो, चरण में प्रणाम दी। शंकर जी क्या बोले, बोले पार्वती तू देखने में इतने सुंदर ही ऊपर है ना, अंदर में इतना सुंदर नहीं हो, तो बोले ऊपर में देखने में सुंदर ही हो, अरे तेरे को बीच में टपकने का क्या जरूरत था, उसने मेरे को ठिठोले किया है ना, भरी सभा में मैं पत्नी को गोद में बैठा कर उपदेश दे रहा हूँ, वो मेरे गुरु भाई, अभी तो मैं बोलने वाला था, मैं तो एक पत्नी को लेकर बैठा हूँ, वो कितने पत्नियों के साथ में घूम रहे थे, उनके साथ में बहुत सारी अवसरिया थी, अभी मैं तो बोलने वाला था, मेरे गोद में तो एक पत्नी हो, तुम्हारे साथ में देखो कितने, मैं बोलने वाला था लेकिन तू बीच में टपक पड़ी, तुमने तेरे को बीच में टपकने का क्या जरूरत था, अभी तो मैं आंसर देता, लेकिन जो कुछ होने पर भी ये मेरे गुरु भाई ना, ये कौन है, मेरे गुरु भाई, देख लिया मेरे गुरु भाई ने कितने शक्ति, अगर उल्टा अगर अभिशाप देता ना मैं तुमको रक्षा नहीं कर सकता, मैं नहीं रक्षा सकता, लेकिन उन्होंने मेरे गुरु भाई की कितने महिमा, सर नीचा करके उन्होंने अभिशाप को ग्रहण कर लिया, वही फिर चित्रकेतु बने, फिर चित्रकेतु मुखात में इंद्र की लड़ाई हुई और इंद्र ने दधीचि की हड्डी से उन्होंने वज्र बनाया और वज्र बना करके उन्होंने किसको बद किया, श्री पित्रासुर को उन्होंने बद किया, पित्रासुर को जो बद किया ब्रह्म हत्या की उनको फिर पाप लगी, फिर तो मारे इंद्र भटक रहे, मारे उन्होंने भटके और लास्ट में जाकर के
कमल नाड़ में जाकर के उन्होंने आश्रय लिया है और तभी उन्होंने अपना गुरु जी की उन्होंने कभी अपमान किया। बल एक समय एक देवता दैत्य में लड़ाई हो रही थी, हाँ जब उन्होंने कमल नाड़ में आश्रय लिया फिर उन्होंने पाप को कितना जगह में बांट दिया, चार जगह पर उन्होंने पाप को बांट दिया है। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, इसलिए पहला स्थान कहाँ है, पानी में, पानी में जो बुद्धूद होता है ना झाक है इसको, ये एक ब्रह्म हत्या की पाप है। और दूसरा जिसकी वृक्षों को काट दो देखना उसमें जो एक रस निकलता है वो भी ब्रह्म हत्या का पाप है। तीसरा है पृथ्वी को दिया है, हाँ पृथ्वी को ऊपर में जहाँ काटते हैं पृथ्वी को। और जो चौथा जो स्त्रियों को ऊपर में जो महीना महीना में उनकी जो अपवित्र होते हैं, इसलिए ये चार जगह पर उन्होंने ये ब्रह्म हत्या पाप को देख लिया। इसलिए नियम है जब माताएं रजस्वला होती हैं उसी समय में ठाकुर को डायरेक्ट रूप में जो सेवा है, अभी तो धीरे 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 की अंग्रेजी संस्कृति आ रही है ये चीज को मानते नहीं, लेकिन नहीं इसको माननी चाहिए। डायरेक्ट जो ठाकुर को जो सेवा है उससे दूर रहनी चाहिए जितना दिन तक उनकी ये अपवित्रता होती है। इसलिए उन्होंने चार जगह में ये पाप उन्होंने बांट दिए। और श्री और मैंने कहा अपराध की, बोले एक समय देवता दैत्य में लड़ाई होने पर उन्होंने दैत्य को परास्त कर दी तो अब इंद्र को सिंहासन में बैठा कर थी, गजर की माला डाल रही थी और श्री इंद्र महाराज की जय जयकार वहां पर हो रहा था, हैं जय जयकार हो रहा था। देखो बोले प्रभुता पाई का मद नाही, ये प्रभुता ऐसे की चीज है ना। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे जगत में कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसको थोड़ी सी मान इज्जत प्रतिष्ठा आ जाए और उसको ऊपर में अभिमान नहीं हो, जगत में से कौन सा हो सकता है। केवल जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं ना उनको सिवाय ये चीज को हजम करना बड़ा कठिन। जब उनकी जय जयकार हो रहा था इतने में ये दैत्य लोग षड्यंत्र कर रहे थे ये देवता को कैसे परास्त किया जाए। अभी गुरु जी को बात पता चला इसलिए गुरु जी उनको सावधान करने आ रहे थे उनकी कल्याण करने के लिए। देखा भैया गुरु जी आ रहे हैं दूर से, बोले गुरु जी का कोई समय को कोई पता ही नहीं था, जब इच्छा मुंह उठाकर चले जाते जब इच्छा गुरु जी तब मुंह उठाकर चले जाते। अभी मेरी पूजा हो रही है और गजर का माला डाल रहे हैं गले में, अगर गुरु जी आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिंहासन से उतरना पड़ेगा और उसी आसन में गुरु जी को बैठना पड़ेगा। अभी जय जयकार गुरु जी की होगी, उसने गुरु जी को देखा दूर से, देख करके ना उन्होंने ऐसे मुंह फेर दिया बोले क्यों, जैसे ऐसे अनजान जैसे कर दिया। लेकिन शुक्राचार्य जब साधारण श्री बृहस्पति तो साधारण है, वो देव गुरु बृहस्पति, बोले ओ तुम्हारी कल्याण के लिए मैं आ रहा हूं, हैं दैत्य लोग परामर्श कर रहे कैसे स्वर्ग राज्य वो छीने, तुम्हारी कल्याण के लिए मैं आ रहा हूं और मेरे को देख करके तुम मुंह मोड़ रहे हो। बस बृहस्पति वहीं से चले गए। जब चले गए जब गुरु जी को हम अपमान करते हैं सारे श्री बल वीर्य पराक्रम सब नष्ट हो जाता है। अभी शुक्राचार्य तो साधारण थे नहीं, शुक्राचार्य ने बुलाया किसको, दैत्य को, देखो उसने अपना गुरु जी का अपमान किया है, गुरु जी इनके कल्याण के लिए आ रहे थे गुरु जी को अपमान किया, अभी अभी आक्रमण करो। क्योंकि जब गुरु जी विमुख हो जाते हैं उसका सारे स्त्री सौंदर्य चस सबके सब भ्रष्ट हो जाता है। करो आक्रमण, दैत्य ने आक्रमण किया और इंद्र को मार करके स्वर्ग राज्य से भगा दिया उसको, और कहा मारे मारे सूर होकर के मारे मारे बैठ गए। इसलिए इंद्र कहते हैं आप कह रहे हो मैं भगवान की कृपा पात्र हूं, अगर मैं भगवान की कृपा पात्र होता तो मेरे को कभी ये सब गंदा काम करता, मैंने बड़े उल्टा पुल्टा काम किया है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, हैं तो सोच भी नहीं सकते हो। भैया मैं ठाकुर का कृपा पात्र नहीं, मैं तो ठाकुर का अभिशाप, ठाकुर को मैंने नाराज बहुत बार नाराज किया है। हाँ अगर तुम भक्त देखना चाहते हो जाओ, बोले कहाँ पर जाओ, बोले तुम्हारे पिताजी के पास में जाओ, बोले उनको पिताजी कौन है, नारद जी के
बोले पितामह ब्रह्मा, ब्रह्मा के पास में जाओ, देखो ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य, ब्रह्मा जी के वैभव, ब्रह्मा जी की महिमा को जाकर के देखो, भगवान के सबसे बड़े कृपा पात्र श्री पितामह ब्रह्मा जी। जब उन्होंने ये बात को सुने ना, बस श्री नारद जी अपना बिना उठाए और बिना उठाते उठाते कहाँ गए, स्वर्ग से कहाँ चल गए, ब्रह्मलोक, श्री ब्रह्म सत्य लोक में गए। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा चतुर्मुख से भगवान के नाम कीर्तन कर रहे थे और वहां पर यज्ञ हो रहा था। वहां पर यज्ञ हो रहा था, सबके सब प्रभु का कीर्तन भजन में
क्योंकि जो ब्रह्मा जी इनका नाम स्वयं भू, क्या नाम है स्वयं भू, स्वयं भू मतलब क्या, कहते भगवान की नाभि कमल से ये ब्रह्मा जी सबसे पहले सृष्टि हुई, सृष्टि का पहला व्यक्ति श्री ब्रह्मा जी। कहते जो ब्रह्मा जी की परमायु कितना है, ब्रह्मा जी कितना तक दिन तक परमायु, कहते 107। और ब्रह्मा की जो एक दिन, कितना बड़ा दिन ब्रह्मा का एक दिन, कहते 1000 चतुर्युग। इसलिए ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इसी जगत में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं और राम भी एक बार आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु भी ब्रह्मा का एक दिन में इसी जगत में एक बार आते हैं। इसलिए कहते जब श्री चौदह मनु तक जब बीत जाती है हाँ, तभी एक बार इसी जगत में भगवान कृष्ण राम आते हैं। इसलिए उसका जो परमायु बड़ी लंबी परमायु ब्रह्मा की, और जैसे भूर भूव मोह जन तप सत्यलोक, ये ब्रह्मांड का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है कौन सा स्थान है, कहते ये सत्यलोक है। उसको ऊपर में ये ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री सत्यलोक है। श्री नारद जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा जी की चरण को स्पर्श करते हुए बोले पिताजी आप भगवान की जितने बड़े कृपा पात्र है ना जगत में और कोई इतना बड़ा भगत आप जैसे नहीं है, सबसे बड़े भगत आप ही हो भगवान की हैं। इसलिए ब्रह्मा जी देखो बरसाना रूप में ब्रह्माचल पर्वत रूप में ब्रज में जन्म हुई, हमारे संप्रदाय का नाम क्या है ब्रह्मा माथो गौरी संप्रदाय, चार संप्रदाय में महाप्रभु ने इसी संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनके हृदय में राधा रानी की प्रेम सेवा प्राप्ति की हृदय में इच्छा है। इसलिए बोले जगत में सबसे बड़े आप भगवान की कृपा पात्र, आपकी जैसे कोई जगत में कृष्ण का इतना बड़ा कृपा पात्र नहीं। जब ब्रह्मा जी को हमने बड़ी महिमा गाई और जगत में सर्वश्रेष्ठ आप ही हो, इतने में ब्रह्मा जी नारद जी को बड़े डांट लगा, बोले तेरे को मैंने पहले बताया था ना मैं भगवान की कृपा पात्र नहीं, मैं तो भगवान का सेवों का दासों का अनुदास में हूँ, मैं तुम कितना बार मैंने बताया और तुम कह रहे हो मैं भगवान जी सबसे बड़े कृपा पात्र है, जानते हो मैंने कितना ठाकुर जी के चरण में अपराध किया, देखो क्या अपराध किया, बोले मैंने हिरण्यकशिपु ने मेरी तपस्या की, जब तपस्या की जब मैं संतुष्ट हो गया बोले मेरे को अमर वर दो, मैंने कहा अमर वर नहीं दे सकता और कोई चीज मांगो, उसने क्या वर मांगे बोले आकाश में नहीं बोलूंगा, पाताल में नहीं, घर में नहीं, बाहर में नहीं, आपका सृष्ट किसी प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा हैं, अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं किसी महीना में नहीं, ये वरदान किसने दिया, वरदान मैंने उसको दिया था और मेरे वरदान में ये इतने अभिमानी हो गया और प्रहलाद के ऊपर में बड़ा उसने अत्याचार किया, भगवान की भक्तों के ऊपर में बड़ी उसने अत्याचार की, इतना अत्याचार प्रहलाद के ऊपर में की उसको जान से मारने के लिए उन्होंने कोशिश की, उसको चांद से मारने के लिए कोशिश की हिरण्यकशिपु ने। जब लास्ट में जब भगवान जब श्री नरसिंह अवतार रूप में प्रकट हो गए थे और प्रहलाद ने श्री हिरण्यकशिपु को वध किए, इतने भयंकर रूप नरसिंह देव का था, इतने भयंकर रूप था, वहां पर शंकर भी वहां से भाग गए, ब्रह्मा जी भी भाग गए, लक्ष्मी भी आई आरती की थाला लेकर के, लेकिन नरसिंह देव ऐसे टेढ़े नजर से देखे ना और लक्ष्मी भी आरती की थाला को फेंक करके भाग गए, बोले मैंने कभी प्रभु का इतना भयंकर रूप नहीं देखा। इसलिए तब उन्होंने श्री प्रहलाद महाराज जब आए और उनको गोद में बैठ गए और जैसे बछड़े को जैसे उसका मां चाटती है ना, ऐसे नरसिंह देव प्रहलाद को चाटने लग गए, बोले प्रहलाद मेरे को आने में देर हो गया है, मेरे को आने में देर हो गई है, प्रहलाद ये सारे का सारे देवता मेरे को देख करके कोई भी फटक नहीं पा रहे हैं, लेकिन तेरे को मैं ये मूर्ति देख करके तेरे को डर नहीं लग रहा है,
बोले प्रभु ये मूर्ति तो मेरे लिए बड़ा प्यारा लग रहा है, शेर दूसरे के लिए शेर नहीं, बच्चे के लिए शेर शेर नहीं। देखना शेर जब किसी जानवर को मार करके आता है ना, बड़ा भयंकर रूप रहता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको पीठ पर फुदकते हैं, बच्चे दूध पीते हैं, हैं बच्चे दूध पीते हैं। बोले प्रभु शेर तो दूसरे के लिए शेर है, बच्चे के लिए शेर नहीं, मेरे को तो ये संसार की जो भयानक स्वरूप है, ये संसार को देख करके मेरे को डर लग रहा है, आपको देख करके मेरे बड़ा आनंद लग रहा है, मेरे को बड़े आनंद लग रहा है। लेकिन जिस समय ब्रह्मा जी वो आए थे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसका वर किसने दिया, बोले मैंने दिया, मेरे वर ने ये अभिमानी होकर के इतने उसने उत्पात मचाया, इसलिए मैंने जो मनाने के लिए आया ना, नरसिंह देव से टेढ़ी नजर से देखे, बोले तेने इसको वरदान दी और इसने मेरे भक्तों को इतने सताया, ऐसे टेढ़ी नजर से देखे। ब्रह्मा तो वहां से भाग गए, वहां से ब्रह्मा वहां से भाग गए, बोले बाबा अरे मेरे को डर लग रहा है आने के लिए, और भगवान मेरे को बड़े डांट लगाए हैं, खबरदार ऐसे किसको वरदान नहीं देना, मेरे वजह से भक्त प्रहलाद को इतने कष्ट उठाने पड़ा, आप कह रहे हो मैं भगवान की सबसे बड़ा कृपा पात्र हूँ, और जानते हो मैंने और क्या अपराध किया, बोले क्या किया, यदि रावण किसका उपासना किया था, रावण शुंभ करना और विभीषण, ये तीनों ने पितामह ब्रह्मा की उपासना की, ब्रह्मा जी की उपासना की, तो ये रावण को वरदान किसने दिया, नहीं नहीं ये रावण को वरदान दिया था, और रावण ने क्या किया, माता सीता को उठा कर ले गया, माता सीता को उठा कर ले गया ब्रह्मा जी, ये रावण और कितने मेरी अपराध हुई है, और प्रभु को इसी के लिए प्रभु राम को कितने युद्ध करना पड़ा भगवान को, अगर मैं प्रभु का कृपा पात्र होता तो इतने दुष्टों को मैं कभी वरदान देता, इसकी वजह से प्रभु सीता को माता सीता को उठा कर ले गया, पर प्रभु को इतना कष्ट भोगना पड़ता, इसलिए तुम्हें पता नहीं मैंने ठाकुर जी के चरण में और क्या अपराध किया, बोले और क्या मैंने की, बोले मेरे अधीन में ये जितने देवता है ना सार ये मेरे अधीन में, सबके सब मेरे अधीन में, सबके सब है, इसलिए कहते श्री गुरु पुत्र हैं, कहते श्री भगवान की जो गुरु पुत्र था इसको वो कहाँ चला गया था, वो चला गया था कहते समुद्र नहीं, वो चला गया था काल, जब महाराज के पास में था, फिर भगवान जब उन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, ये सब के सब ब्रह्मा जी के अधीन में सब काम करते हैं, फिर जिस समय प्रभु गए पढ़ने के लिए उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन कर लिया, जब अध्ययन कर लिया अभी शांति बनी, मुनि ने देखा लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं, अगर ये साधारण बालक होता है ना ये 64 दिन में 64 विद्या को भी असंभव है, अब देखो कोई सीए करता है, कोई डॉक्टर भी पढ़ता है, कोई भी कला को लेकर पढ़ो, एक कला में एक्सपर्ट होने के लिए जिंदगी लग जाती है तभी एक विद्या को हासिल नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने 64 दिन में 64 विद्या को उन्होंने पढ़े, बोले ये जरूर भगवान, ये जरूर ये भगवान होंगे, लेकिन हम इसको परीक्षा करेंगे, बोले परीक्षा कैसे करेंगे, बोले अगर ये भगवान होंगे ना, भगवान किसको कहते हैं, अकर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम जो सत्य सा ईश्वर है, को नहीं नहीं को जो है कर सकता है वो भगवान है, हमारे जो मरा हुआ पुत्र को हम बोलेंगे दक्षिणा रूप में दो, अगर ला देगा ना फिर तो हमें पता चलेगा ये भगवान है, अभी उन्होंने विद्या अध्ययन हो गया, जब कृष्ण वापस जाएंगे बोले बताओ आपको क्या दक्षिणा चाहिए, बोले मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ले आओ, ये समुद्र किनारा में खेलते खेलते कहाँ चला गया, पहले तो कृष्ण शंखासुर को बद दिया, देखा वहां नहीं, फिर कहां पर गए, फिर उन्होंने जबपुरी में गए, जब महाराज के पास में गए और भगवान ने शंख बजाया, शंख बजाया तो स्वयं काल थर 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 कांपते 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 आए, बोले क्यों, बोले लगता है मेरे बारी आ गया है, क्योंकि इन्होंने इंद्र का गर्भ को भी उन्होंने खर्ब दिया, ब्रह्मा की गर्भ को भी खर्ब दिया है, और सारे जितने देवता थे 33 करोड़ देवता वहां से पारिजात जब वृक्ष लाए थे, सारे देवता एक साथ में कृष्ण को साथ में युद्ध किया था, कृष्ण ने सबको परास्त की थी,
बोले सारे देवता का अभिमान को चुरा किया, लगता है मेरी बारी आ गया। महाकाल स्वयं कांपते 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 आए और आकर के बोले प्रभु क्या सेवा करूं, बोले मेरे मृत पुत्र को वापस लाओ, मृत पुत्र को वापस लाओ, मरे हुए बच्चे को उन्होंने काल से हैं वहां से ला कर गुरु पुत्र को उन्होंने दिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मेरे अधीन में ये जो काल है जब ये मेरे अधीन में, और उन्होंने क्या किया प्रभु का गुरु पुत्र को ही हरण किया, इसलिए मेरे प्रभु को कितना कष्ट उठाना पड़ा और जा करके मरे हुए पुत्र को वहां से वापस लाए, ये भी मेरे अपराध है। बोले और क्या अपराध किए, बोले श्री नंद जसोदा एकादशी व्रत रखे, नंद जसोदा कोई कहते ना अरे एकादशी व्रत तो विधवाएं रखती है, सधवा थोड़ी एकादशी व्रत रखते, नहीं ये एकादशी व्रत के लिए बताए अष्टा वर्षा धिकपुरते आसिति सिति वत्सय, एकादशी व्रत 8 साल से लेकर के 80 साल तक सबको ये एकादशी व्रत रखने चाहिए। जिसको नंद जसोदा रखते थे, जिसको सबसे जो बड़ी एकादशी है, बताओ तो सबसे बड़ी एकादशी कौन सा एकादशी, जोर से बोलो, ये पांडव और निजला एकादशी, जिसको पांडव लोग अपना द्रौपदी और कुंती को लेकर के जो एकादशी व्रत रखते थे, क्या ये द्रौपदी विधवा थी, जो द्रौपदी विधवा थी अंबरीश महाराज ने मथुरा में वहां पर एकादशी व्रत रखे, क्या वहां उनको जो पत्नी कहते वो क्या विधवा थी, विधवा नहीं थी। इसलिए एकादशी व्रत सबको रखनी चाहिए। और श्री कवि कर्णपुर कहते हैं एक एकादशी का नाम पुत्र एकादशी, क्या है, हाँ इधर सुना आप लोगों का अंदर में एकादशी व्रत कौन कौन रखते हैं, हाथ उठाओ तो, कम से कम 25% लोग यहाँ, 25% लोग यहाँ पर एकादशी व्रत रखते हैं। देखो एकादशी विषय में सुन लो, क्योंकि हम लोग जो वैष्णव धर्म में आए ना, वो लोग कोई सोम कोई मंगल कोई बुध सब अलग 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 व्रत रखते हैं, लेकिन जो हम जो वैष्णव लोग केवल एक ही व्रत रखते हैं, श्री एकादशी व्रत रखते हैं। क्यों, जो अलग अलग जो व्रत है वो अलग अलग देवा देवियों के लिए, लेकिन जो एकादशी व्रत है ये भगवान कृष्ण के लिए, नारायण के लिए, ये भगवान राम के लिए ये एकादशी व्रत है। अब बताओ जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने देवता को मनाओगे, एक को मनाओ तो दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएंगे, तीसरे को मनाओ तो चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएंगे, आप कितने को आप मनाओगे। लेकिन अगर भगवान को खुश कर दिया ना, कहते ना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा कर सके, जब भगवान संतुष्ट हो गए उसको ऊपर में सब के सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए एकादशी व्रत को बताया कि ये कल्प वृक्ष व्रत है, क्या व्रत है, कल्प वृक्ष व्रत। कल्प वृक्ष व्रत मतलब क्या है, आप जो कुछ मांगोगे कल्प वृक्ष से, कल्प वृक्ष आपको सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। ये एकादशी अगर जिसको पास में ग्रंथ हो ना, आप लोग खुद एकादशी ग्रंथ को पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ये नंद जसोदा ने सारे व्रत को रखे थे लेकिन घर में इनकी संतान नहीं हुई। ऐसे समय नंद जसोदा चर्चा किए, अभी तक तो हमने सारे व्रत को रख करके देख लिया लेकिन घर में कोई संतान नहीं हुआ, लेकिन अभी तक एक व्रत हमने रखे नहीं, कौन सा व्रत है, अभी तक श्री एकादशी व्रत हमने नहीं रखा, अभी हम श्री एकादशी व्रत रखते हैं। इसलिए एकादशी व्रत में एक व्रत है जिसका नाम पुत्र का एकादशी है, जो एकादशी व्रत को रखने पर पुत्र का जन्म, पुत्र जन्म लेता है, इसलिए उसका नाम पुत्र एकादशी। और एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी। अगर ये एकादशी व्रत करना, जीवन में तुम्हारी जितने पाप है वो सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाती है, इसका नाम पाप मोचनी एकादशी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने पर जीव जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक एकादशी का नाम है अन्नदा, जिसको करने से घर में खूब अन्न आता है, खूब शस्य। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी,
जिसको करो तो घर में खूब मां लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम विजया, जिस एकादशी को करने से हर काम में तुम विजय प्राप्त करोगे, हर काम में विजय प्राप्त करोगी। हर एकादशी को देखना, अलग 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 फल है, अलग अलग हर एकादशी का फल है। जैसे सो मंगल बुध, अगर ये व्रत नहीं करोगे ना तुम्हारी कोई हानि नहीं, अगर सोमवार नहीं करोगे मंगलवार नहीं करोगे तुम्हारे कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर एकादशी व्रत नहीं करोगे तो नुकसान। क्यों? बल्कि उसी दिन अर्घ्य में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता की हत्या, ये सारे को सारे पाप एकादशी का दिन अर्घ्य में आश्रय करके रहते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा उसको ये सारे पाप लेना पड़ेगा, ये सारे पाप लेना पड़ेगा। इसलिए हर पाप से बोले मुक्ति है, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करते हैं उनकी मुक्ति नहीं है। इसलिए दो पति पत्नी थे शूद्र शूद्राणी, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि एकादशी, उनको पता ही नहीं था एकादशी, और उनमें लड़ाई हो गई। अब देखना घर में अगर पति पत्नी की लड़ाई हो जाए ना, दो तीन दिन तक एकादशी चलती है, दो तीन दिन तक एकादशी चलेगी। इसलिए उन्होंने लड़ाई करके उन्होंने बोले आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पति ने कहा भोजन ही नहीं करूंगा तो क्या खाना बनाऊंगा, बस पूरा निर्जला एकादशी हो गई। दूसरे जीवन में राजा रानी होकर के जन्म ग्रहण करते, राजा रानी होकर के। अब देखना हम लोग तो हिंदू हो, देखना अगर कोई व्यक्ति अंतिम संज्ञा में बैठा हुआ है, किसी तरह से प्राण नहीं जा रहा है, सालों सालों से पड़ा हुआ, उसमें भिष्टा मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ, इनकी सदगति कैसे होगी, सदगति कैसे होएगी? आप देखना कौन सा व्रत बोलेगा। बस आपके घर में कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकते हो? उसने और कोई बार व्रत का नाम वो बोलेगा नहीं, केवल बोलेगा एकादशी व्रत करके इसका फल दो। मतलब इतने महिमा श्री एकादशी व्रत की, बड़े से बड़े पाप भी एकादशी व्रत से नष्ट हो जाता है। इसलिए सबके साथ एकादशी व्रत रखना, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कहते नंद जसोदा भी एकादशी व्रत रखे थे, भगवान की पिता माता हो गए, हम तो साधारण जीव है, भगवान के पिता माता भी एकादशी व्रत रखे। एकादशी व्रत रख के पहले एकादशी व्रत कैसे रखते थे, एक दिन पहले एक बार खाते थे, एकादशी का दिन पूरा निर्जला रहते थे, और दूसरे दिन समय पर व्रत को खोलते थे। इसलिए नंद बाबा और रात भर जगे रहते थे, रात भर जागर करते थे पहले। लेकिन अभी तो महाप्रभु ने, प्रभुपाद ने बोले भैया एकादशी का दिन कुछ फल मूल खा लो, क्योंकि अगर कलयुग का जीव अगर भोजन नहीं करेगा ना दिन भर सोता रहेगा, बोले आज तक हमने व्रत रखा है, इसलिए बोले कुछ प्रसाद लो, फल मूल खाओ, अन्न मत खाया करो, और ज्यादा से ज्यादा भजन करो। एकादशी मतलब एकादश इंद्रियों को द्वारा क्या करो, बोले सबई मन कृष्ण पदारविंद, ये मन से भगवान की चरण की चिंतन करो, बचा से वैकुंठ गुणानि वर्णने, बाणी को द्वारा प्रभु का कीर्तन करो, करो हरीर मंदिर आदि सुहातों से ठाकुर जी के मंदिर साफ करो, एकादश इंद्रियों को लगा दो। इसलिए श्री नंद बाबा रात भर जागरण किया, अब बोले सवेरे सवेरे यमुना में स्नान करके जल्दी जल्दी ठाकुर को सेवा पूजा करके हम व्रत को खोलेंगे। द्वादशी का दिन नंद और जसोदा गए यमुना में स्नान करने के लिए। जब स्नान करने के लिए गए, देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, आज समय पर स्नान नहीं करनी चाहिए। समय स्नान क्या, जो वरुण देवता, जो पानी की जो अधिष्ठात्री देवता हैं, इसलिए उनको पकड़ करके वरुण लोग ले गए। जब वरुण लोग गए, इतने में नंद बाबा को साथ में कुछ सेवक लोग गए थे, उन्होंने देखा नंद बाबा डुबकी लगा तो बुरा डुबकी लगा दी, वो तो पानी से निकल नहीं रहे हैं। इतने में उन लोगों ने हला बचा दिया, बोले कृष्णा बलराम तेरे पिताजी जमुना में डूब गए। उसी समय कृष्ण राधा जी को साथ में कुंज में लीला कर रहे थे। इतने में कृष्ण को सुनाई पड़ा तो कृष्ण भागते भागते आए, बोले कहां पर, बोले यहीं पर, तेरे पिताजी स्नान किए तो पता नहीं कहां चले गए। इतने में कृष्ण ने कहा तुम लोग यहीं पर रुको, मैं देखता हूँ पिताजी कहां पर। इतने में
सीधा होकर वहीं पर कृष्णा डुबकी लगाई, डुबकी लगाए तो कहाँ चले गए, वरुण लोग चले गए। जब वरुण लोग गए माता जी ए पानी देने वाले, अरे हरे कृष्ण पानी नहीं देना, चुपचाप बैठे बच्चा मांग रहा है, जब कीर्तन हो तभी देना, बच्चे दे रहे बड़े बड़े बूढ़ों को दे रहे, जब कीर्तन हो ना उस समय देना, बीच में नहीं देनी चाहिए। इसलिए अभी हरे कृष्णा, अभी उन्होंने जब उनको वरुण लोग में ले गए और वरुण देवता जब देखा बोले तुम लोगों ने क्या किया, ये तो कृष्ण की पिता माता है, इनको पकड़ करके ले आए, मैंने कृष्ण के पिताजी है इनको पकड़ कर ले आए, बड़ा अपराध किया। बोले जो हो गया अभी तो पिताजी को लेने के लिए ठाकुर जी आए, और भाग्य जी हमारी वरुण लोग धन्य हो जाएगा। उन्होंने नंद बाबा को बड़े सुंदर आदर करके, भगवान के पिता है ना, बड़े सुंदर आदर करके सिंहासन में बैठाए। और जब कृष्ण वहां पर पहुंचे और जितने बड़े बड़े देवता वरुण आदि साष्टांग दंडवत कर रहे थे, नंद बाबा बोले बाबा रे भैया मेरे लाला है कौन है, ये तो बड़े 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 देवता दंडवत ही कर रहे मेरे लाला को, और मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहे, मैं तो कोने में बैठा हुआ और कृष्ण को इतने बड़ी बड़ी दंडवती कर रहे हैं, और बड़ी बड़े सुंदर सुंदर श्लोक में शांताकारम भुजग शयनम बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। बोले भैया ये लाला मेरे वेप और माफी मांग रहे हैं सबके सब, कृष्ण को अभिषेक की पूजा की आरती उतारी और नंद बाबा कोने में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहे। लेकिन जब उन्होंने नंद बाबा को लेकर के आए ना, इतने में सारे ब्रजवासी तो नंद बाबा को बोले बाबा तू कहाँ चला गया था, बाबा तू कहाँ चला गया था। बोले भैया ये मेरे जो लाला है ना, लगता है ये साधारण लाला नहीं, ये बड़े बड़े देवता पता नहीं मेरे को तो कहाँ ले गए, तो कोई अलग दुनिया में ले गए थे, हीरे जवाहरात से क्या दिव्य लोग था, और मैं तो एक कोने में बैठा हुआ था और मेरे लाला को बड़ी बड़ी दंडवती उनको प्रणाम कर रहे थे, आरती उतार रहे थे और क्या क्या बड़े बड़े श्लोक में स्तुति कर रहे थे, भैया मेरे लाला तो साधारण है। इतने में सबके सब नंद बाबा का पल्ले छोड़ करके कृष्ण का पल्ले पकड़ लिए। बोले कन्या अगर तू भगवान हो ना, तू भगवान रहो कोई बात नहीं, हमने सुना भगवान की कोई वैकुंठ लोक होता है, हमें तो ना वैकुंठ लोक देखा है। कृष्ण ने देखा, देखो कितने भोले वाले है, ये कहां ब्रज में जन्म हुए है, चारे वैकुंठ लोग जाने के लिए उन्होंने उनको वैकुंठ लोग उनको ले गए थे। लेकिन वैकुंठ लोग जब पहुंचा दिया ना, देखा भगवान अनंत नाग पर शयन की हुई, बड़े बड़े देवता स्तुति कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी चरणों पलट रही थी, और ये जो ग्वाल वाल थे ना वो तो कृष्ण को दोस्त मानते हैं, और कृष्ण बड़ी दूर से पास में कोई भटक नहीं सकते हैं, बड़ी दूर से सबके सब खड़े कर स्तुति, पहरादारी वहां पर तो सखा लो कन्या को साथ में हंसी दिल की और उसको कभी घोड़ा बना देते हैं। अभी जब ये कृष्ण को साथ में मिलने जाते हैं ना, है मिलने जब जाते हैं वहां पर, बड़े यहाँ पर पास में नहीं जा सकते भगवान के पास में, केवल दूर से उनको प्रणाम और स्तुति कर सकते हो। और मैया यशोदा देखा, भैया हमारे लाला तो कन्या मेरे गोद में चढ़ जाता था, स्तन पीता था, मक्खन मिश्री मांगता था, यहाँ पर तो लाला मेरे को भैया ही नहीं बोलता है, तो दूर में बैठा हुआ। और जितने ब्रजवासी कृष्ण को तो कोई बेटा कोई सखा मानते थे, कोई प्रियतम, लेकिन वहां कृष्ण किससे बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात बोले चुप रहो, यहाँ पर कोई हई बोला ग्वाला है ना, हर समय तो कृष्ण के साथ हंसी दिल की हई बोला करते थे, गैया चराते थे, बोले समझे चुप हमें हमारी ब्रज ही अच्छा है, हमें तो ब्रज में ले चलो। बोले ब्रज में जाओगे, बोले हाँ, बोले आ जाओ, बोले यहाँ डुबकी लगाओ और सीधा ब्रज में आ गए। बोले भैया हमको चेंज विश्वास आएगा, हम तो कहाँ फंस गए थे। इसलिए यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे अधीन में ये जो वरुण देवता मेरे अधीन में, लेकिन उसने कृष्ण का पिता को उठा करके ले लिया और उसी वजह से मेरे को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए मैंने कितने अपराध कृष्ण के शरण में किया तुम लोग को पता नहीं, ऐसे कितने मैंने और ये बनासुर भी है और बड़े बड़े जो कृष्ण के चरण अपराध किए,
कि सब के सब मेरे अधीन में रहते हैं और मेरे अधीन में रह करके ठाकुरों के चरण में कितने अपराध किया। और तुम लोग कह रहे हो मैं कृष्ण की और क्या अपराध किया, कृष्ण का बछड़ा सखा भी मैंने चुरिया है। कृष्ण कहा सखाओं के साथ में क्या कर रहे थे, वन भजन कर रहे थे। कृष्ण यमुना किनारे में वन भजन कर रहे थे और आपस में हंसी मिलाप कर रहे थे। कोई पकौड़ा लाए बोले कन्या मेरे भैया ने बड़े सुंदर पकौड़ा लाए, कृष्ण छीन कर खा रहे थे। कृष्ण का कन्या मेरी भैया ने मालपुआ भेजो है, बोले तुमने अकेले खाओ, कृष्ण छीन करके उनको झूठन खा रहे थे। किसने का कन्या मेरे भैया तो बड़े सुंदर छाछ भेजो है, बोले कन्या बोले भैया मेरे को नहीं पिलाओगे, बोले ये अच्छे ये बड़े चोको छाछ है थोड़ी देने का लायक पीने का लायक। अभी कृष्णा और सखा दोनों छाछ की मटकी को लेकर के खेचादानी कर रहे थे, करते करते जो सखा पी रहा था ना कृष्ण खेचे, इतने में छाछ सखा की छाती में गिरा। कृष्ण चाट रहे थे बोले भैया छाछ तो बड़े चोको छाछ है। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये कौन सा भगवान जिनको झूठन भुंडन भी पता नहीं, इसलिए उन्होंने और आगे लीला को देखने के लिए कृष्ण की बछड़े सखाओं को उन्होंने चुराया और चुरा कर गुफा में बंद कर दिया। कृष्ण ने क्या किया अपना शरीर से बछड़े सखाओं को एकदम जैसे उनकी गला की आवाज जैसे रूप जैसे चलना बोलना कृष्ण ठीक ऐसे किया। कृष्ण खुद को साथ में कृष्ण लीला कर रहे थे। जब ब्रह्मलोक में गए कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए, बोले देखो दरबार को, बोले मैंने मेरे जैसे को जो बहु रुपया को देखा अगर किसको देखा ना घुसने नहीं देना। और जब ब्रह्मा जब पहुंचे उनका नौ पर ही डंडा लेकर उनको मारने के लिए चलता, बोले हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने देखा भैया मेरे आसन को घुसने का दखल कर लिया। फिर ब्रह्मा उतरे गए और उत्तर तो उत्तर से यहाँ एक साल हो गया। फिर देखते हैं कृष्ण पहले जैसे लीला कर रहे थे अभी भी वैसे लीला कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी जब दोनों तरफ में देखे दिखाया देखो ये जितने बछड़े सखा कौन है, मैं स्वयं हूँ आप ब्रह्म स्तंभ हो। उन्होंने केवल नारायण 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 उन्होंने देखा। ब्रह्मा समझ गए ये कौन है, मेरे बाप का भी ये मेरे बाप है। इसलिए उन्होंने बोलते हैं बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। फिर उन्होंने भगवान को माफी मांगे, बोले देखो मैं एक साल तक भगवान की बछड़े और सखाओं को भगवान से मैंने दूर रखा है, इसलिए मैंने बड़ी माफी मांगी चरण में गिर कर दी, प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो। लेकिन जब मैं माफी मांग रहा था ना कृष्ण तो सखाओं को गले पर गलवेनिया दे करके एक कमल फूल को घुमा रहे थे और कृष्ण सखाओं के साथ मस्ती ले रहे थे। और सखा लोग क्या कह रहे थे, बोले चौमुहा भैया ये चौमुहा ये चार मुंह वाले कहां से आ गया, ये चार मुंह वाले कहां से आ गया। ब्रह्मा को किली उड़ा रहे थे, हैं ब्रह्मा कृष्ण ब्रह्मा तरफ में देख ही नहीं रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी पहले तो भगवान को स्तुति की, लेकिन देखा प्रभु खुश नहीं हो रहे, बोले अभी तक तो मैंने भगवान को स्तुति करके देख लिया अभी उनको भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ ये खुश होते कि नहीं। उन्होंने भक्तों को दो श्लोक स्तुति किया। पहला श्लोक था बोले अहो ति धन्या गो ब्रजगो रमन्या, कहते ये ब्रजवास कितने सौभाग्य, क्यों कहते बड़े बड़े देवता लोग मैं भी भगवान को संतोष संतुष्ट करने के लिए जिसे यज्ञ करते ना इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा नारायण स्वाहा 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 तो करते हैं, लेकिन वो यज्ञ को द्वारा जितने संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन ये ब्रजवासी ब्रज का जो गैया ब्रज का जो माताएं कितने धन्य है, बोले क्यों जब ब्रह्मा जी बछड़े सखाओं को चोरी किया कृष्ण स्वयं बछड़े सखा बन गए, कृष्ण बछड़े सखा बन गए। आप लोगों बच्चों को स्तन पान कराए होंगे ना, बच्चों को दूध पिलाया होंगे, आप देखना बच्चा जब स्तन पान करते कितने खुश होकर के प्रसन्न होकर के दूध पान करते है ना। आप लोग देखे होंगे बछड़ा जब गैया का दूध पीते हो, देखे हो कौन कौन देखे हो देखना कितने खुश होकर के वो बछड़ा दूध पान करता कितने प्रसन्न होकर के। बोले प्रभु
आपको प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग यज्ञ में सुहा सुहा करते हैं, आप उसको द्वारा जितने संतुष्ट नहीं होते हो, आप स्वयं बछड़े सखा बन गए, हर माताओं को घर घर में बच्चे बनकर चले गए, सबका दूध पिए और बछड़े बनकर क्या किया आपने, सारे गैया की आपने दूध पान की, और उस समय बछड़ा कितने खुश होता है जब दूध पीता है, हैं? इसलिए देखो ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान हैं जिनके स्तन को स्तन किया है, जब प्रेम में हृदय द्रवीभूत होता है तब ये स्तन रूप में दूध रूप में उतरती है, आप कितने प्रसन्न हुए। फिर जब श्लोक बोले क्या सचलो बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसा जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। यदि ब्रजवासियों का सौभाग्य क्या बताएं, बोले क्यों कृष्ण कौन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण है, लेकिन ये पूर्ण ब्रह्म सनातन होकर क्या बन गए, बोले सखाओं का सखा बन गए, माता जसोदा की लाला बन गए, ब्रजवासियों की ये प्रियतम बन गए, और इनको साथ में अपने लीला की है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म होकर के आप ब्रजवासियों को कितने प्यारा संबंध बना दिया, इसलिए ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान, जब उन्होंने ये श्लोकों को बोले ना इतने में कृष्ण मुस्कुरा दिए, जब मुस्कुरा दिए ब्रह्मा को पता चला कृष्ण का कमजोर कहां पर है, इनकी कमजोर कहां पर, मतलब क्या भगवान शिक्षा देते हैं, मेरी सेवा से मेरी भक्त से मैं जितने संतुष्ट होता हूं, अगर मेरे भक्तों का कोई सेवा करे ना, मेरे भक्तों का कोई सेवा स्तुति करे, उससे मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूं, उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैंने प्रभु के चरण में बहुत अपराध किया है, मैं भगवान की प्यारा नहीं, अगर देखना चाहते हो ना भगवान के सबसे प्रिय पात्र कौन है, श्री भोले बाबा, श्री भोले बाबा की जाओ, श्री भोले बाबा के पास में जाओ, देखो कृष्ण का कितना प्रिय है। इसलिए भोले बाबा कहते इनको क्या बताए, हरि हर एकात्मा, क्या बताए, हरि हर एकात्मा, ऐसे उनको स्वर्ग देखोगे, आधा शंकर और आधा विष्णु देखोगे, इतने भगवान के नजदीक है, हरि हर उनको एकात्मा बताए, हरिहर शंकर जी एक है शंकर जी, इसलिए शंकर जी इतने प्रिय, शंकर जी भगवान की इतने प्रिय, शंकर जी कहते शंकर जी साधु है ना, साधु क्या करते हैं, छुपाते नहीं, साधु अपने आप को छुपाते हैं, साधु अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए शंकर जी को क्या बताया, सत्यम शिवम सुंदरम, नाम तो बोले सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन शंकर जी का ऊपर का जो ड्रेस है ना बड़े अभद्र है, बड़े असुंदर है, कौन सा फूल शंकर जी के सर पर चढ़ाते हो, कोई बेली चमेली जूई मालती नहीं चढ़ाते, जंगल में जहरीले पुष्प है जिसको फल खाने से मर जाएंगे, हाँ भगुर है और आतंक का ये जहरीले फूल है, ये पेड़ को कोई नहीं लगाते, कोई बगीचा में लगाते पेड़ को, कोई नहीं लगाते, ये अपने आप जंगल में होता है, जहरीले पुष्प फल ये शंकर जी के सर को पर चढ़ता, बोले क्यों, शंकर जी कहते भैया मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, जितने बढ़िया बढ़िया फूल है ना बेली चमेली जूई मेरे प्रभु कृष्ण और राम के सेवा में लगे, मैं उनका सेवक हूँ, जंगल में अपने आप जो चीज होता है ना उसको मैं ग्रहण करूंगा, इसलिए वो चंदन नहीं लगाते हैं शरीर में, कोई अगुर चंदन ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते हैं शंकर जी, इसलिए चंदन क्यों नहीं लगाते भैया, भाई ये चंदन मेरे प्रभु कृष्ण राम नारायण की सेवा में, इसलिए मैं तो उनका सेवक हूँ, क्या लगाते हैं, बहुत लगाते हैं, कहाँ के, कोई अच्छे जगह के बहुत नहीं, शमशान के, बोले क्यों, शंकर जी जगत गुरु है, वो गुरु होने का नाते जगत को शिक्षा देते, बोले भैया ये शरीर में बहुत ही क्यों लगा रहा हूँ, बोले शरीर का परिणाम इतनी ये दो मुठी यही राग है, इसलिए गले में मुंडक की माला और हड्डी की माला, एक दिन ये शरीर दो टुकड़े हड्डी होने वाले, इसलिए ये शरीर को ज्यादा प्यार मत करो, केवल शरीर को खिलाओ पिलाओ जिम में ले जाओ और उसको एक्सरसाइज करो, उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, जितना समय उधर लगाते है ना उतना समय अगर प्रभु की भजन में लगा दोगे, प्रभु की भक्ति में लगा दोगे ना, जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी, इसलिए शंकर जी अलंकार रूप में
कोई सोने चांदी नहीं पहनते हैं, किसको पहनते हैं? सर्प, सारा शरीर में देखो सर्प, सर्प कौन है? ये अनंत देव है। ये अनंत देव कौन है? शंकर जी के गुरु है। कहते अगर शरीर में अलंकार धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को अपना अलंकार बना लो, तुम्हारी भिड़ार पार हो जाएगा। इसलिए शंकर जी अपने आप संत है ना, संत क्या चाहते भैया? चुप करके जितना दूर हो भगवान की भजन करो। इसलिए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो क्या करते थे, तो चारों तरफ में मछली की कांटा बिछा देते थे, फेंक कर उसको बीच में भजन करते थे। क्यों? लोग ये समझे ये मछली खाने वाला बाबा है और मेरे पास में कोई नहीं आए, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या करते थे, पायखाना अंदर में बैठ करके बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एक बार जोर से बोलो हरे भजन करते थे, भक्ति करते थे, हैं? इसलिए शंकर जी देखो, अब शंकर जी के कहीं भी आप मूर्ति देखो, आप बताओ किस रूप में देखोगे? अगर बैठे हुए तो ध्यानस्थ। इसलिए शंकर जी जब ध्यान लगाते ना, कल्प कल्प तक ध्यान लग जाती। इसलिए जब सती ने प्रभु को ऊपर में उन्होंने शंका की, शंकर जी को ऊपर में शंका की, राम जब सीता की हरण हो गई थी, उन्होंने जब शंकर जी दूर से सती को लेकर परिक्रमा कर रहे थे, इतने में सती ने पूछा बोले प्रभु किसको परिक्रमा कर रहे हो आप? जो परम ब्रह्म परा पर तत्व श्री राम की कथा सुनाते हो, ये क्या वही राम नहीं तो साधारण जीव है? क्योंकि मेरे को तो पता है रावण ने तो माया सीता को लेकर उठा कर गया, वो तो सीता थी नहीं, वो भी माया सीता अशोक वाटिका में, तो मेरे को पता है। अगर ये घटघटवासी भगवान होते तो या इतनी सी बात इनको पता नहीं। जब ऐसे बोले इतने में शंकर जी ने देखा, जिंदगी भर इसको इतना पढ़ाया मैंने, पढ़ाते पढ़ाते थक गया, तभी मेरे ऊपर में उनका गुरु है लगती ना, उनका गुरु भी पति है, तभी भी ये मेरे ऊपर में शंका कर रही है। बोले अगर शंका हो तो देख लो, परीक्षा करके देख लो। उसने सीता बन करके उन्होंने परीक्षा की, सीता बन करके उन्होंने परीक्षा की, परीक्षा की तो इतने में राम तो पहचाने गए, बोले भोले बाबा तो उधर चले गए, माता जी आप इधर कैसे चले आए? बोले भैया ये तो पहचान गए, मैं तो सती पहचान गए, फिर प्रणाम की। जब खड़ी होती है बोले सिया राम मैं सब जगह जाए, उन्होंने दिखाया देखो मेरे बगैर सीता अलग नहीं, मेरे से सीता अलग नहीं, मैं भी सीता जी से कहीं अलग नहीं, कण कण में हम दोनों हैं, शक्ति शक्ति मतोर अभे। फिर उन्होंने समझ गए, फिर जब गए शंकर जी के पास में, शंकर जी पूछा परीक्षा लिया, फिर झूठ बोलती, अगर कोई झूठ अगर हमसे कोई गलती होगी ना, सीधा मान लो भैया हमसे गलती होगी। अब देखना कोई एक गलती को छुपाना चाहोगे ना, फिर एक गलती करोगे, फिर एक गलती देखना, गलती को फिर गलती, अगर सही बता दिया ना सर खत्म, अगर कोई अपराध सही बोल दो खत्म हो जाती है। फिर उसने बोली प्रभु आप कभी झूठ बोल सकते हो क्या? शंकर जी ध्यान लगाए, ये किस रूप में उसने परीक्षा ली, ध्यान करके देखते हैं, उसने माँ सीता रूप में परीक्षा ली, मेरे माँ रूप में। फिर जिंदगी भर के लिए उन्होंने सती को पत्नी रूप में नहीं, फिर उन्होंने माँ रूप में देखे, इसलिए लास्ट में उन्होंने सती को त्याग दी, सती ने शरीर त्याग दी। फिर जब पार्वती बन करके आती, फिर जब तपस्या करती, फिर जब शादी होती है, लेकिन जब सती को साथ बात बंद कर दिया ना, शंकर जी ध्यानस्थ हो गए। क्यों? बोला अभी हरी कथा किसको सुना, अभी तो कथा सुनने वाले कोई है नहीं, इसलिए उन्होंने ध्यानस्थ हो गए। हाँ, फिर उन्होंने ध्यानस्थ हो गए, और ध्यानस्थ के बाद में फिर जब पार्वती को साथ में शादी की, फिर शंकर जी कहते पार्वती बताओ अभी तेरे को क्या चाहिए, तुमने मेरे को पाने के लिए इतने कठोर तपस्या क्यों की, बोलो तुमको क्या चाहिए? अगर पति शादी के बाद में पत्नी से बोले कि
क्या चाहिए, हम क्या बोलोगे? बोले चलो भाई हनीमून मनाने जाते हैं, कहीं घूमने जाएंगे, नहीं तो मॉल में ले चलो मेरे लिए इसे साड़ी खरीद करा दो, नहीं तो ये अलग का, यही तो बोलेगी। लेकिन पार्वती कहती है प्रभु मेरे किसी चीज की जरूरत नहीं, आपका प्रति मैंने शंका करने का नाते मेरे कितना जीवन बर्बाद हो गया, अभी मेरे को भगवान कथा सुनाओ, सुना करके मेरे हृदय में जो अज्ञान है ये अज्ञान को आप दूर करो, केवल हमें भगवान की कथा सुनाओ है। इसलिए शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, इसलिए शंकर जी हर समय गोस्वामी जी कहते हैं भले महामंत्र जय जप समय पंचमुख में प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं। इसलिए शंकर जी अपने आप छुपाने के लिए कोशिश की, इसलिए शंकर जी कहाँ रहते? कैलाश में, बर्फ के ऊपर, तभी लोग नहीं छोड़ते शंकर जी को, वो कहीं भी हो ना तभी पहुंच जाते हैं। इसलिए शंकर जी छुपाने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं सके? बोले उनको पास में सबसे पवित्र वस्तु, उनके पास में बताओ तो शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु क्या है? बोलो, कहते उनकी जटा में श्री पति पावन श्री गंगा है। बोले श्री गंगा देवी की, इसलिए श्री विश्वनाथ जी को ठाकुर कहते हैं, कहते उनकी जटा में श्री पति पावन ठाकुर जी चरणाम उन्होंने धारण करके रखे हैं। इसलिए शंकर जी, बोले शंकर जी जैसे भगवान इतने प्रिय भक्त कोई नहीं। हर अवतार में देखो शंकर जी, जब राम अवतार में आए शंकर जी कहते रुद्र देह तेज नेह बस बानर भय हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर से सेवा नहीं कर सकता, हनुमान बन करके आए। जब कृष्ण अवतार में आए ये श्री गोपीश्वर महादेव रूप में आए। जब महाप्रभु रूप में आए श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए, और भगवान की हर तरह से उन्होंने ठाकुर की सेवा किए। बोले अगर भगवान की सबसे कोई प्रिय भक्त है ना श्री भोले बाबा भैया, इनकी जैसे भक्त कोई नहीं। रामायण देखो, रामायण का कर्ता शंकर है। गोस्वामी जी कहते शंकर जी सबसे पहले हृदय में रामायण को रचना करके रखी, और अमर कथा शंकर पार्वती को कहाँ सुनाए? अमरनाथ में भागवत सुनाए। अष्टकाली लीला कहाँ से सुनी? नारद जी शंकर जी से सुनी। जितने पुराण हैं सारे को सारे शंकर जी पार्वती को सुनाए। इसलिए शंकर जी भगवान की परम प्रिय भक्त श्री भोले बाबा है। बोले श्री भोले बाबा की जय। इसलिए तुम सब से बोलते हरे कृष्णा। देखो फिर जब उन्होंने नारद जी को, जब उन्होंने बोले भगवान की सबसे प्यारे भक्त कौन है? श्री भोले बाबा। इनकी कृपा से बड़े बड़े व्यक्ति भी संत हुए हैं। हम नरसिंह भक्त का नाम सुने हो? कौन कौन नाम सुने नरसिंह भक्त का? कभी ये पहले शंकर जी के कनिष्ठ भक्त थे, एकदम पक्के भक्त। एक दिन शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले बताओ क्या चाहिए? बोले मैं तो बालक हूँ, मेरे को पता नहीं, आपका जो सबसे प्रिय वस्तु हमें प्रदान करो। शंकर जी बोले मेरे प्रिय तो वाक्य बिहारी है, जाओ मैं तेरे को वाक्य बिहारी की भक्ति देता हूँ। और इतने बड़े शंकर जी कृपा से भक्त हुए, इतने बड़े भक्त हुए, उनकी बेटी की भात भरने के लिए स्वयं श्री वाक्य बिहारी स्वयं जाते बेटी की शादी करवाने के। इसलिए शंकर जी कृपा से बड़े 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 कल हम सुनेंगे सब बात को। शंकर जी कृपा से किसको किसको भक्ति मिली यहाँ पर बताए श्री सनातन गोस्वामी, किसको किसको भक्ति मिली शंकर जी की कृपा से। इसलिए तुलसीदास जी जब रामायण लिखते हैं सर्वप्रथम शंकर पार्वती को वंदना करते हैं। किस रूप में? गुरु रूप में। क्यों? इनकी कृपा से जीव को भगवान की भक्ति
और इनकी कृपा से प्रेम मिलता है, इसलिए गुरु रूप में शंकर जी की वंदना करते हैं। सनातन गोस्वामी शंकर जी को पास में रहते थे, हर समय शंकर जी को साथ में हरी चर्चा करते थे। बोले गोपीश्वर ब्रज विलासी जुगांग्र पद में प्रेम ब्रज छ, अगर आप हमारे ऊपर में कृपा करना चाहते हो, जो ब्रज में जो विलास करते जुगल सरकार, इनकी चरण की हमें भक्ति प्रदान करो। इसलिए शंकर जी जीव को भक्ति दे करके उसको जीव को ठाकुर को पास में पहुंचा देते हैं। हमारे श्री जीव प्रभु जी थोड़ी सी कुछ बोलेंगे हमारे जीव प्रभु को। ओम अज्ञान तिमिरादस्य ज्ञान अंजनि शलाकया चक्षुः निमीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यवत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और हमारे बीच में विराजमान पूज्यपाल श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और जिस ग्रंथ को हम सुन रहे हैं उनके जो रचयिता है सनातन गोस्वामी पाद, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उन्हें कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने भक्त लोग आए हुए माताएं लोग प्रभु लोग दीदी लोग सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। देखो तो कल से ये श्रीमद ब्रज भागवतों में कथा शुरू हुई। भागवत कथा होती है, एक होती है ब्रज भागवत अमृत कथा। कल इसको इंट्रोडक्शन दिया था महाराज जी ने, ये कथा क्या है। और इस कथा के जो लोग कल आ नहीं पाए, ये कथा तो बहुत सुंदर कथा है, ये हमारे गुरुदेव को भी प्रिय कथा है, चैतन्य महाप्रभु का भी प्रिय कथा है, स्वयं भगवान को भी ये प्रिय है, भगवान को, क्योंकि इसमें भक्तों की महिमा है। तो कल जो बता रहे थे हमारे महाराज जी ने इसका परिचय दिया। भागवत कथा सारे वेदों का सार क्या है, श्रीमद भागवत कथा, सारे वेदों का सार भागवत कथा। उसमें 18,000 श्लोक है, वो जो 18,000 श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी के पास 7 दिन का समय था और 7 दिन उन्होंने कथा सुनी, बड़े ध्यान से कथा सुनी। 7वें दिन तक्षक आएगा, सांप श्राप लगाए और परीक्षित माता को डस लेगा और उसको उसकी माँ का नाम क्या, उत्तरा देवी। अभी क्या है देखो, बहुत बड़ी शिक्षा है इस ग्रंथ से। एक माँ है, एक माँ का पुत्र आज सांप डस लेगा, आज जाने वाला है, तो माँ क्या करेगी, कुछ ना कुछ उपाय करेगी, कुछ ना कुछ कैसे कैसे वो किसी तरह से मेरा बच्चा बच जाए, टेंशन होगी, चिंता नहीं, पर क्या हो रहे। ये तो भागवत कथा ऐसी कथा है, जब भागवत कथा सुनी सुखदेव गोस्वामी ने, वो क्या हो गए, भागवत का फल क्या है, अशोक अभय अमृत आधार। भगवान की कथा शोक को दूर कर देती है, भय को दूर कर देती है और अमृत आनंद को देने वाली है, सुख देने वाली है। और देखो क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी बड़े धीर स्थिर होकर बैठे हैं, आज उन्होंने अमर ग्रंथ का पाठ कर लिया है, कोई भी अन्य भय नहीं है। और उनकी जो माँ है उत्तरा, उन्होंने भी क्या किया, अपने पुत्र से बोला, परीक्षित अपने बेटे बोला, पुत्र तुमने ये कथा बड़ी ध्यान से सुनी और तुम्हारे हृदय में मैं देख लू इतना तेज, इतना सुख और इतना तुम्हारे अंदर धैर्य नजर आ रहा है। तुमने जो ये कथा सुनी है मेरे को भी, मैं तो बूढ़ी हूँ स्त्री हूँ और मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पाई, क्या तुम्हें मेरे को सार के रूप में बता सकते हो भागवत का सार क्या है। तब परीक्षित महाराज बोले कि मेरा अब प्रभु में मन लग गया, मेरे को कृष्ण ही नजर आ रहे हैं, इधर देखता हूँ कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, इधर देख रहा हूँ कृष्ण मेरे को बुला रहे हैं, मेरा चित्त धीर स्थिर हो गया और उनको भगवान ही दिख रहे चारों तरफ। कहती माँ मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को किसी ने भी मन नहीं, अब मेरे को प्रभु देख रहे हैं,
और प्रभु मेरे को बुला रहे हैं, मेरे को कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगी, पर माँ तुमने मेरा मन लग रहा है उस प्रभु के चरणों में मन लगा लो, और किसी में भी मेरा मन जा नहीं रहा, पर तुमने इतना सुंदर प्रेम गोस्वामी से सुनी और उसके पास बहुत कम समय मेरे पास, तो गदगद हो गए सुखदेव गोस्वामी, और तब उन्होंने बहुत सार रूप में अपनी माँ को ये कथा सुनाई कि भगवान की भक्ति क्या चीज है और भगवान अपने भक्त को कितना प्रेम करते हैं और भगवान सबसे ज्यादा कितने भक्त सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं। तो ये सुखदेव ये परीक्षित महाराज अपनी माँ को कथा सुना रहे, जैसे महाराज जी ने प्रारंभ की कल, सनातन गोस्वामी ने प्रारंभ की, पहले उन्होंने प्रणाम किया किसको, चैतन्य महाप्रभु को, फिर उन्होंने प्रणाम किया मथुरा देवी को, फिर उन्होंने वृंदावन को किया, गिरिराज को, फिर अब ये क्या कर रहे हैं, नारद जी का प्रसंग लेते हैं। नारद जी कहाँ पे गए, एक दक्षिण प्रदेश में रहने वाले बहुत बड़े धन राजा के पास गए, जो आज सुनी है, और उसके बाद क्या गए, उसके बाद वो कहते मैं तो भक्त नहीं हूँ, मेरे से महान भक्त ये इंद्र है, इंद्र बता रहे आज जिस आ गए, आगे कथा यहाँ सुनी आपने, इंद्र कहते मैं भक्त नहीं हूँ, भक्त तो जाओ देखो ब्रह्मा जी भक्त है, और ब्रह्मा जी बोले मैं क्या भक्त हूँ, आप शिव जी के पास जाओ। आज हमने कथा सुनी, इसका मैंने परिचय दिया, अब कल हम आगे सुनेंगे, बहुत सुंदर कथा है। पहला ये बोलेंगे, शिव जी बोलेंगे मैं भक्त हूँ, अपने दीनता की बात बताएंगे, भक्त देखना है तो कहाँ जाओ, तुम वहां जाओ प्रहलाद महाराज के पास जाओ, भक्ति किसे कहते हैं, अपने सुख के लिए कभी कुछ मांगा नहीं, और क्या हुआ जब प्रभु भी आए, तो प्रभु आए देखो प्रहलाद ने क्या वर मांगा, प्रभु मेरे पिता से अपराध हो गया, अगर कोई गलती हो तो इसको क्षमा कर देना और इसको भी अपने चरण में ले लेना, और प्रभु वर देना चाहते हो वर मांगो वर मांगो, कहते प्रभु मैं बढ़िया नहीं हूँ, मैं कोई वर नहीं चाहता, कहते वो वर मांगो, तो प्रहलाद जी क्या कहते, बड़ी सुंदर बातें बोलेंगे प्रहलाद महाराज जी कल, बोले प्रभु वर देना चाहते हो ना, ये संसार के लोग बड़े दुखी हैं और वो आपकी शरण में नहीं आने चाहते, क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि पापी व्यक्ति भगवान की शरण में आना नहीं चाहता, तो इन सब व्यक्तियों का पाप मेरे को दे दो, और इनको जो मैंने थोड़ा बहुत भजन किया है और अपनी कृपा इन पे बरसाओ, सबका पाप मेरे को दे दो और इनको अपने धाम में बुला लो। तो ऐसे ऐसे प्रहलाद महाराज के पास जाएंगे, पांच पांडव के जाएंगे, प्रेम किसे कहते हैं हम सुनेंगे आगे आगे, फिर पांच पांडव के बाद बहुत सुंदर कथा है, पांच पांडव कैसे द्वारका जाएंगे, उद्धव जी बताएंगे कि मैं उद्धव जी की महिमा बताएंगे नारद जी, फिर ब्रज गोपियों के पास एक बड़ी सुंदर प्रेम किसे कहते हैं आगे के दो दिनों में हम सुनेंगे, इसलिए कल रविवार का दिन है, ये भागवत का सार है, आप लोग इसको समय से कल आ जाना, कल समय से कथा करेंगे, थोड़ा ज्यादा चरित्र महाराज जी करेंगे कल, और परसों लास्ट है, परसों जो कथा होगी सोमवार का दिन है, अक्षय तृतीया भी आ रही है, हम लोग यहाँ से कथा के बाद, ऐसे कथा के बाद भगवान रथ लेके आते हैं, जैसे गोलोक वृंदावन ले जाते हैं, भागवत का फल है, पर इस बार का क्या है, भागवत का फल, ये गौण फल ही ठीक, हम भी जागतिक रथ हमारे पास आएगा, बस यहाँ दो बस, एक बस तो फुल हो गई है, अगर कोई जाना चाहते आज लास्ट दिन है, इसके बाद नाम नहीं, क्योंकि व्यवस्था करनी पड़ती है, वहां कमरों की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, कोई लोग वृंदावन जाना चाहते हैं तो जो सोमवार को कथा होगी 4 बजे से 6:30 बजे तक होगी, 7 बजे एकदम आरती करके हम प्रसाद दे देंगे और सब लोग बाहर बस खड़ी होगी मदर डेयरी के पास, बस में बैठ जाएंगे और जिस वृंदावन की महिमा बता रहे महाराज जी, जिन ब्रजवासियों की महिमा बता रहे हैं, हम उनको भी प्रणाम करने, एक बार ब्रज रज को प्रणाम करने जाएंगे, जमुना जी का दर्शन करेंगे और वहां पर बाकी बिहारी के चरणों के दर्शन और भगवान के चंदनों के दर्शन करेंगे, ठीक है ना, उसका नाम हम अक्षय तृतीया, कल मैंने बताया था ना, इसका नाम अक्षय तृतीया का नाम क्यों पड़ा, कहते ये सृष्टि का पहला दिन है, ठाकुर जी उसी दिन ही ये संपूर्ण सृष्टि को ठाकुर जी ने की है, जितना गेहूं पेड़ पौधा जो कुछ देख रहे हैं उसी दिन सृष्टि हुई, इसलिए ठाकुर जी इसलिए उसी दिन सृष्टि की, जैसे इसी जगत में जैसे किसी का शादी हो, जैसे गृह प्रवेश, कोई भी अच्छा दिन हो, आपको कोई तिथि देखना पड़ता है, इधर सुना, इसलिए कोई तिथि देखना पड़ता है, लेकिन ये अक्षय तृतीया ऐसे ये दिन है, कोई तिथि देखने का जरूरत नहीं, आंख बंद करके भी कोई काम आप शुरुआत कर दो, जरूर उसका फल अक्षय होगा, जरूर, इसलिए उसी दिन हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, हाँ एक दिन पहले जा रहे हैं,
वृंदावन में साल में एक बार केवल बाकी बिहार जी का चरण साल में एक बार दर्शन, और ठाकुर का जो संपूर्ण शरीर दर्शन है कपड़े से होता है, केवल एक दिन देखोगे ठाकुर चंदन का द्वारा दर्शन। हर मंदिर मंदिर में चंदन से फूल की बंगला और वृंदावन है, उसी दिन जो कर गए उसका फल अच्छे होगा। अगर दुनिया की काम करोगे संसार में भटकोगे, अगर ठाकुर का दर्शन करोगे फिर ठाकुर जी की चरण की प्राप्ति होगी। अगर जो जाना चाहते हो, हमारे जीत प्रभु जी है आप इनको, और हमारे दामोदर प्रभु जी है इनको आप नाम दे देना, आज नाम दे देना, क्योंकि इन लोगों को बस में ले जाएंगे, फिर आप लोगों को ले जाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी ठाकुर जी आरती होगी और खूब नाचना कूदना और प्रसाद सबके सब प्रसाद महाप्रसाद लेकर जाए। ठीक है, आरती समझ।